बेहद इंटरेस्टिंग है आज का बाजार, जहां एक और निफ्टी पर दबाव है, बैंक निफ्टी हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, दिग्गज है प्रेशर में, लेकिन ढेर सारे मिड कैप्स ऐसे हैं जो निचले स्तरों से उछलने की सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी की है वीकली एक्सपायरी, और साथ ही पहली बार आज निफ्टी के भी वीकली ऑप्शंस होंगे एक्सपायर, तो ढेर सारा एक्शन है अगले डेढ़ घंटे, और साथ ही वैलेंटाइन डे के सेलिब्रेशंस भी। तो फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी, मैं हूं रजत देवगन, और सबसे बड़ा पैनल जी बिजनेस मौजूद रहेगा, बाजार की बात करेंगे, साथ ही साथ होगा शेर व शायरी का माहौल भी। व्यूअर्स के तो लगातार हम सुबह से ही शेर व शायरी जो आ रही होगी, कल से गजब का उत्साह है, बहुत बहुत गजब का उत्साह, मतलब ये कहना होगा कि न सिर्फ जी बिजनेस एज ए चैनल बहुत क्रिएटिव है और हम पूरी टीम मिलकर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि हमारे दर्शकों ने हमें पछाड़ दिया है। मेरे को भी एक बार और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका जरूर देंगे। ईर्ष्या अभी 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 अरे शुभ काम में देरी कैसी, शो की शुरुआत में रजत जी के अगर दो पंक्तियां, बाजार थोड़ा दबाव में है तो उसी के ऊपर कुछ लिखा मैंने कि कीमत चुकानी पड़ती है हर रोज यहाँ पर यारों, कीमत चुकानी पड़ती है हर रोज यहाँ पर यारों, मंदी के बाजार में मुनाफा मुश्किल से मिलता है। ये बात तो सही है, मंदी के बाजार में मुनाफा मुश्किल से मिलता है, ये वही लोग कहते हैं और वही लोग ऐसी शायरी पढ़ते हैं जो आशु मदान को फॉलो नहीं करते, उनके फॉलोअर तो तेजी के मार्केट में भी रजत जी पैसा बना लेते हैं मंदी करके, तो ये है आशु मदान साहब का कमाल। लेकिन हाँ, लाइन आपने बहुत अच्छी लिखी है, बधाई आपको, तो वैलेंटाइन डे स्पेशल बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आज की अब तक की बाजार की बड़ी बातें। गिरावट है दिग्गजों में, सेंसेक्स निफ्टी नीचे 10,750 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स 150 अंकों के आसपास नीचे है, बैंक निफ्टी हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है इस वक्त, वहां पर थोड़ी रिकवरी होती दिख रही है, लेकिन कच्चा तेल ये परेशानी दे रहा है, इतने दिनों तक 61 से 63 की रेंज में रहने के बाद जो 63 के लेवल को पार किया है, अब कच्चा तेल $65 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और यही वजह है ऑयल एंड गैस शेयरों में आज बिकवाली है, मेटल शेयर कमजोर है, आईटी शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर और मैन ऑफ द मैच, स्टार ऑफ द डे, यस बैंक 25% का बड़ा उछाल, 215 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, हम कह रहे थे कि जहां खुले वहीं खरीदिए, और वो भी वापस एक करेक्शन के बाद जब 200 के नजदीक आया तो विश्वेश चौहान ने भी कहा कि अब भी डरिए मत, घबराइए मत, सिर्फ और सिर्फ करनी है खरीदारी यस बैंक में, तो ये है आज का स्टार परफॉर्मर। लेकिन क्या है आज का मेनू, 27% की तेजी यस बैंक में, लेकिन फाइनल ट्रेड में जो खास बातें हैं वो तो आपने सुन ली, फाइनल ट्रेड में जो आने वाले समय के लिए जो ट्रिगर्स होंगे उन पर कहीं ना कहीं ध्यान होगा, कल इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होने वाले हैं वो भी थोड़ी देर में मानसी में हमको बताएंगे, और साथ साथ वैलेंटाइन ऑप्शन स्ट्रैटेजी सुबह से ही आप जी बिजनेस पे देखते चले जा रहे हैं, अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि वैलेंटाइन डे के मौके पे कौन सा ऐसा स्टॉक ऑप्शन है जो आपको कमाई करा सकता है, खबरों वाले शेयर होंगे ये बताएंगे मेरे सहयोगी डिम्पी, और साथ ही साथ करूर वैश्या बैंक, देखिए यस बैंक में तो 26% का रिटर्न मिल गया, लेकिन आप इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति देखेंगे करूर वैश्या बैंक में, आज वहां पर बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिली और 16 से 17% ये स्टॉक नीचे, आखिर क्यों, इसकी क्या वजह है ये जानने की कोशिश करेंगे, आने वाले नतीजों पे फोकस होगा, BTSTT कॉल्स होंगी रोज की तरह, इसके अलावा बैन से बेनिफिट होगा, ये रोज का सेगमेंट है हमारा, हम बता देते हैं कि बैन में कौन सा शेयर आने वाला है या फिर कौन सा एग्जिट करने वाला है, साथ ही साथ अनिल जी की निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, और आज तो एक्सपायरी वाला दिन है तो आज की स्ट्रैटेजी तो बहुत अहम हो जाती है, और अहम इसलिए भी हो जाती है कि पिछले 2 दिनों से बाजार 2.5 से 3.5 के बीच में जो एक्शन दिखा रहा है जबरदस्त है, तो रजत बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज क्या कुछ होता है इस एक्शन में, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आइए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, हमारे साथ है विश्वेश चौहान, कुणाल सरावगी, राकेश बंसल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है। कुणाल जी, बैंक निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर लेकर आऊँ बाजार को, तेजी के लिए मूड बनाकर बैंक निफ्टी की तरफ देखना है या निफ्टी को देखकर कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, क्या करना क्या है, बाजार का डायरेक्शन किस तरफ रखना है? अरे ये देखिए, मेरी राय बहुत साफ है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक रेंज में हैं, ये हम सब जानते हैं, और हालांकि देखिए जो निफ्टी में ब्रेकआउट आया उसके बाद निफ्टी नीचे आ गई और 11,000 का स्तर तोड़ दिया, वापस निफ्टी निचले स्तरों पर कुछ सपोर्ट निफ्टी को मिलेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, मुझे लगता है कि 10,700 से लेकर 10,650 का एरिया है, यहाँ पर निफ्टी में बहुत बाइंग इंटरेस्ट है और इन स्तरों के नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए। बैंक निफ्टी पहले मूव करने लगा है तो मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रेंथ का ये सूचक है, ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है कि रेंज बाउंड है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें बेहतर है, इंडेक्स एक रेंज में ही रहना चाहिए।
इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और बताने के लिए कि कल कौन से इवेंट्स हैं जिन पे नजर रखनी होगी। मानसी बताएं, बाजार में निचले हिस्सों से हालांकि थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर भी कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं? जी बिल्कुल रजत, जैसे कि आप अभी बता रहे थे, एक तो निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी आज है ही, पहली बार निफ्टी के वीकली ऑप्शंस एक्सपायर होंगे और आपको बता दें कल से नए वीकली ऑप्शंस मार्केट में आ जाएंगे, तो एक बड़ा इवेंट है ही। साथ ही आज भारत 22 का ETF एक दिन के लिए फिर से खुला है, फिर से निवेश करने का मौका है। आज शाम 8 बजे तक आवेदन भरे जा सकते हैं और सरकार की इस ETF से करीब 3,500 करोड़ जुटाने की योजना है। इसके अलावा आज जेके टायर की एक बोर्ड बैठक होगी जहां पर पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार होगा और आज जो नतीजे हैं निफ्टी ONGC के नतीजे आएंगे निफ्टी स्पेस में और साथ ही FNO स्पेस में अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क, फार्मा, नेस्ले जैसी कंपनियां आज ही अपने नतीजे पेश करेंगी, तो इन तमाम नतीजों पर हमारी नजर होगी। और आज ही कह सकते हैं कि आज जो नतीजे आएंगे, कल से रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है क्योंकि कल एक US इंडिकेटिव एक्शन है, US में शटडाउन दोबारा लागू हो सकता है। आपको बता दें कल संसद में इस पर चर्चा होने जा रही है और फंडिंग खत्म होने की चिंता यहां पर जताई जा रही, तो इसके चलते US में शटडाउन फिर से लागू हो सकता है जिस पर कल फैसला निकल कर आएगा, तो इस पर भी हमारी नजर है। ओके, तो ये है अरे फिर से शटडाउन लागू हो सकता है, ऐसा क्यों मानसी, क्या हो गया? बीच में तो अप्रूवल आ गई थी, फंडिंग खत्म होने की चिंता है और संसद में इस पर दोनों पक्ष पर अभी सोच विचार किया जा रहा है और अगर दोनों ही मान जाते हैं तो फिर कुछ शटडाउन की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर दोनों की यहां पर कोई सोच विचार मिलते नहीं है इनके और यहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती तो फिर शटडाउन की स्थिति हो सकती है। वैलेंटाइन डे के दिन तो मान जाएंगे ना, मान जाएंगे ना, क्यों रजत जी, प्यार मोहब्बत से मान जाएंगे, मान जाएंगे, चलिए दिन अच्छा है, मान जाएंगे, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और शायद डाउ फ्यूचर्स एक बार देख लेते हैं, अगर शटडाउन का कितना डर डाउ फ्यूचर्स को देखा नहीं है जी, सेंचुरी मार्केट ट्रेड कर रहा है ऊपर, कहाँ टेंशन है। चलिए कोई दो सेक्टर है, NBFCs और दूसरा PSU बैंक्स। हाँ, विश्वेश जी से पूछ लीजिए, PSU बैंक्स एकदम से तेज हुए। अरे दोनों ही जो मतलब सदाबहार शॉर्ट, आज NBFC तो सुबह हम कह भी रहे थे शॉर्ट, हालांकि उसके बाद काफ़ी गिरे भी, लेकिन पूरा यूटर्न ले लिया सारा। आईबुल हाउसिंग वगैरह आप देखिए और जो स्टॉक DHFL देखिए, इसीलिए कम से कम ये अच्छा रहा कि सुबह 103 पे का सर PSU बैंक ने BTS की और पूछ जी सर, बिगुल बजाने बजाइए, जोर से वाला बजाइए, आइए जोर से वाला बजाइए बिगुल एक बार जरूर, इसका मतलब पक्का तेजी की कोई ना कोई कॉल आ गई। बताइए विशेष जी क्या खरीदना है? देखिए मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है और PSU बैंक में लोअर लेवल पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म चार्ट पे तो मुझे मंदी नहीं दिख रही है, शॉर्ट टर्म बाउंस लग रहा है। तो कैनरा बैंक फ्यूचर में बाय करना है, 225.30 रुपये चल रहा है फिलहाल के लिए, स्टॉप लॉस रखना है 220 का। मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत तेज 230 और 237 की तरफ मूव आ सकता है। सुबह हमने SRF दिया था, SRF स्टॉक ऑफ द डे हो गया, क्या बात कर रहे हो? हाँ देखिए तब तो 2217 था मुझे याद है, हाँ अभी 2280 चल रहा है, देखो बिना देखे आप, इसीलिए तो सर आपके साथ बैठते हैं, कभी कभी तो हमारी याददाश्त की दाद दिया करो। हमने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था सर 55 रुपये के आसपास, 80 रुपये हो गया। आपकी उम्र कितनी है सर? 32। मैं कितना पुराना हो चुका हूँ सर आपसे, मतलब एक जनरेशन पुराना, 49 साल में चल रहा हूँ, उस हिसाब से तो ठीक है ना सर, सीखने लायक चीज है। बट मेरा ऐसा मानना है, आप कुणाल जी से पूछिए और मैं चाहूंगा कुणाल जी से पूछिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है 15 मिनट के चार्ट पे। अच्छा। और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, 11 लाख शेयर और फ्यूचर के 15 मिनट के ये टिक में, 15 मिनट का भी देख लेते हो चार्ट सर? मैं तो मिनट का भी देख लेता हूँ क्योंकि मुझे क्या बात कर, देखिए आपके पहले मैं क्या क्वार्टरली देखता था, मुझे समझ में आने लगा कि हमारे जो व्यूअर है उनको क्विक चाहिए क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो मैंने अपनी सिस्टम जो है उसको मॉडिफाई किया। अच्छा। क्योंकि हमको हमारे जो ज्यादातर व्यूअर है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, उनको छोटे स्टॉप लॉसेस चाहिए, तो अभी मैं शॉर्ट टर्म सिस्टम, हमारे सब तरह के हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है सर जी सर, आप सब तरह का दो, मतलब जो मिनट टू मिनट वाले भी हैं, घंटे दो घंटे वाले भी, दिन वाले भी है, हफ्ते 10 दिन वाले भी हैं, सीरीज वाले भी हैं और सालों साल रखने वाले भी, तो आपके जैसा वाला चार्ट पे जो बढ़िया सिग्नल आए वो वाला बताइए। तो हाँ। 5 मिनट में पैसा बन जाए फिर क्या साल भर में बने? नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट में बनता है, लेकिन विश्वेश जी भी जानते हैं 5 मिनट वाले में बनने के भी चांस है तो जाने के भी चांस, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा होता है। ये इन्वर्टेड हेड, देखिए एक चीज बताता हूँ, जो रिवर्सल शॉर्ट टर्म चार्ट में होता है सबसे पहले होता है। अच्छा। तो इसीलिए आप सबसे पहले एंट्री भी मारोगे और सबसे पहले एग्जिट भी मारोगे, इसीलिए तो हमने शॉर्ट टर्म चालू करवाया सारे जी, आपके साथ रहकर सीख रहे। चलिए आइए कुणाल जी से पूछिए, कुणाल जी 15 मिनट वाला चार्ट खोलिएगा केनरा बैंक का, क्या कुछ बड़ा काम हो गया उसमें?
बिल्कुल विश्वेश जी का देखना बिल्कुल सही है, इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, बड़ा वॉल्यूम एडिशन हुआ है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं विश्वेश जी। और सबसे अच्छी बात है कि आज सवेरे भी विश्वेश जी थे जो साथ दे रहे थे हमारा कि इतनी मंदी नहीं आएगी, और आप देखिए उसी तर्ज पर अनिल जी रिकवरी आ गई, तो मुझे काफी खुशी है। मैं ये सोच रहा था कि वैलेंटाइन डे पर इतनी लाली अगर छाएगी तो थोड़ा मूड खराब हो जाएगा, आज वापस रिकवरी आती है, लाली के बाद हरियाली है और हरियाली भी उतनी होनी चाहिए जितनी लाली हो, तो बढ़िया है। सुबह मंदी करने वाले फ्रंट फुट पर थे, अब तेजी करने वालों को हम तो क्रिकेट टीम है सर। हाँ, हम तो वो क्रिकेट टीम है जिसके अंदर ओपनिंग में आशू जी आके बॉलर की धुलाई करते हैं, टेल एंडर में विश्वेश्वर कुणाल भी बाकी रहते हैं। चलिए, पूरी टीम खेल रही है दमदार, ये बात सही है, चाहे बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग करने के लिए मैं और रजत हैं, हमारा काम तो ये बात बात की फील्डिंग करो। मैं तो ये कह रहा हूँ उन्होंने कैनरा बैंक बोला तो बाकी की बैंकिंग स्टॉक्स यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबका सेम स्ट्रक्चर, निचले स्तरों से सबने खरीदारी दिन के स्तंभ सर पे। अच्छा, आपको भी बीमारी है चार्ट वाली? थोड़ी बहुत, वेरी गुड, थोड़ी बहुत बीमारी, बैंक निफ्टी सर 112 पॉइंट प्लस। लेकिन इस बीच आज वैलेंटाइन डे, पहले हम शुरुआत करते हैं वैलेंटाइन के ऑप्शन की, और उसके बाद डिम्पी हमारे साथ जुड़ रहे खबरों वाले शेयर बताने के लिए, पूजा भी हमारे साथ हैं कुछ बेहतरीन नतीजों का बताने के लिए, तो आइए पहले देखते हैं वैलेंटाइन का ऑप्शन। तो ऑप्शन के महारथी हमारे साथ पधार रहे हैं, नितिन मुरारका जी। हाँ, अच्छा फोटो दिखी गई आपको, पता चल गया। नितिन जी बताइए सर, लाल रंग की टाई पहनी हुई है तो हमें सुबह पता चल गया था, आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं ऑफिस में, ये भी हमें पता चला, ऑप्शन कौन सा चूज किया ये बताइए। ओहो नितिन जी लाइन पे आने में थोड़ा वक्त लगा रहे हैं, चलिए तो थोड़ी देर में। ओह, 27,000 के नज़दीक आ गया बैंक निफ्टी, माय गॉड, पिछले 15-20 मिनटों में तो विश्वेश जी की और कुणाल जी की आवाज़ सुनकर जो जोश आया है तेजी करने वाले लोगों में, वो तो कमाल का है। लेकिन तब तक डिम्पी से एक बार फटाफट पूछ लेते हैं वो स्टॉक्स जहाँ पर खबरों का एक्शन है, लेकिन नितिन जी जुड़ ही चुके हैं तो नितिन जी से फिर कर ही लेते हैं बात। नितिन जी एक बार फिर से, नितिन जी के लिए बिगुल तो होना चाहिए, क्यों वैलेंटाइन पे? हाँ, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, तो नितिन जी के लिए पहले बिगुल बजाइए और उसके बाद उनसे करते हैं बात। जी नितिन जी बताइए ऑप्शन अपना। देखिए ओवरऑल एलएनटी का डेटा वीक है और मुझे लग रहा है कि एलएनटी में जैसे बाउंस हुआ है तो इस बाउंस में हम 1200 की पुट ऑप्शन लेंगे जो आपको 15 से 16 के बीच में मिलेगी। इसका स्टॉप लॉस हम 10 रुपए का रखेंगे और करीब टारगेट 30 रुपए का रखेंगे। 30 रुपए के टारगेट के लिए एलएनटी का पुट ऑप्शन खरीदना है 1200 रुपए वाला, ओके। थोड़ी कमजोरी और हो सकती है यहाँ से, थोड़ा आज तो ऊपर आया है, अच्छा बढ़िया बात है, 10 का स्टॉप लॉस लगाइए और 30 रुपए का टारगेट। और नितिन जी पीसीआर के लिए तो थोड़ी देर बाद वापस आएंगे ना आप? बिल्कुल अनिल जी आएंगे, बट इसमें ये अपडेट है कि ओएनजीसी के टारगेट बिफोर रिजल्ट ही हो गए थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 30 पैसे ऐसे हमारी पुट ऑप्शन गई थी 130 की, तो करीब करीब टारगेट इसके रिजल्ट आने के पहले ही हो गए। वाह क्या बात है, ओएनजीसी नीचे में तो 124.80 रुपए जाके आया ये, अरे ये अभी 10 मिनट 5-10 मिनट में बढ़ा है, पहले तो बहुत नीचे था, तो टारगेट हासिल हो चुके हैं एग्जिट। हेलो अनिल जी, 20 पैसे से एग्जैक्ट टारगेट रह गया, कोई बात नहीं है ना, बट ये है कि 7.30 रुपए गई है पुट ऑप्शन, तो करीब करीब टारगेट है, ठीक है, स्टॉक 4% नीचे आया। अच्छा अब एक चीज बताओ, अभी आप तैयारी करके रखना, जब हम आपसे फिर से पीसीआर में जुड़ेंगे तब ये बताइएगा कि क्या वाकई में ओएनजीसी में फिर से पोजीशन बनानी है, और प्लस आपके अगर कोई नई पोजीशन की बात आ रही हो तो वो भी बताइएगा। पीसीआर में थोड़ी देर में आपसे फिर मुलाकात होगी 2:30 बजे के बाद, आइए तब तक डिम्पी से पूछ लेते हैं खबरों वाले शेयर जहां पर आज बाजार खुलने के बाद हुआ है एक्शन, बताइए डिम्पी। अरे जी शक्ति शुगर के नतीजे आए तो इसका घाटा कम हो गया, पहले 42 करोड़ का घाटा दिखाते थे, अब ये घटकर सिर्फ 19 करोड़ हो गया, तो घटने के क्रम पे है। आय भी बढ़ गई है, 105 करोड़ हुई है, पहले 84 करोड़ हुआ करती थी। आयशर मोटर के चेन्नई प्लांट जो इसका मेन प्लांट है, जहाँ से रॉयल एनफील्ड भी बना रहे हैं, कुछ कमर्शियल गाड़ी भी बनाती है, वहाँ पर हड़ताल हो गई है, कुछ एक कर्मचारी वहाँ पर हड़ताल पर चले गए, हालांकि मैनेजमेंट कह रहे हैं हड़ताल से हम बातचीत कर रहे हैं हड़तालियों से कर्मचारियों से, बट अभी लगता नहीं कि जल्दी जल्दी उनके प्लांट पे इसका जल्द कुछ पॉजिटिव असर हो जाएगा, यानी कि हड़ताल खत्म हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है। एलएनटी इन्फोटेक, इस पे भी खबर है कि जर्मनी की कंपनी के साथ इन्होंने करार करके उस कंपनी को खरीद लिया है और ये करीब 2.5 करोड़ यूरो में ये डील हो गई है और 6 हफ्तों में डील पूरी भी हो जाएगी जो इन्होंने करार करके इस कंपनी को परचेस किया है, उसका नाम है निल्सन पार्टनर्स।
टेक महिंद्रा पे खबर यह है कि डायनामिक कॉप में हिस्सेदारी खरीद रही है और ये भी करीब 9 करोड़ यूरो में, क्योंकि यूरोप की ही हिस्सेदारी कंपनी है तो इसमें यूरो में पेमेंट करके हिस्सेदारी खरीद रही है। एनएमडीसी पे खबर यही है कि जनवरी में इनका उत्पादन वो 4.3% घट रहा है, जो घटकर करीब 32 लाख टन का होगा। ये ओर बनाने वाली कंपनी है, आयरन ओर का माइनिंग करती है और जनवरी में इसका जो उत्पादन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ 32 लाख है, वो 36 से घटकर 32 लाख टन हो जाएगा। एलएनटी पे भी खबर ये आई है कि इनको पावर ट्रांसमिशन के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। वाट एफ बाग जो कि कैपिटल गुड्स की कंपनी है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स के लिए इनको 520 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। इससे पहले भी इनको कंपनी को काफ़ी ऑर्डर नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स के जरिए मिले हैं। सीसीडी आईटी विभाग ने वीजी सिद्धार्थ के माइंड्री के शेयर जो पहले कब्जे में ले लिए थे उनको छोड़ दिया। ये करीब 75 लाख शेयर हैं जो आईटी विभाग ने पहले अपने कब्जे में ले लिए थे, उसको फ्री कर दिया है। सेल पे खबर आ रही है, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी सूत्रों के हवाले से, कि स्टील प्रोडक्ट पे MIP यानी कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस ये सरकार लगा सकती है और सेल पे HR कॉइल का जो भाव होगा $615 पर टन का होगा और अन्य प्रोडक्ट पर स्टील के $170 पर टन के हिसाब से हो सकता है। कुछ ब्लॉक डील्स भी लगी हैं। येस बैंक में करीब 1% के आसपास की इक्विटी का सौदा हुआ है और साथ ही साथ ये जो भाव है वो ₹478 के आसपास हुए हैं। चलिए, येस बैंक पे 1% के करीब इक्विटी ने हाथ बदला है और जो सुबह आपने बोला था यस बैंक को लेकर, एक बार वो सुन लेते हैं और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर पे चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक तो तेजी वाला स्टॉक और एक मंदी वाला स्टॉक, दोनों व्यूज को बताएंगे, लेकिन यस बैंक कहा क्या गया था सुबह आपसे, आइए वो सुनवाते हैं। यस बैंक कहता है कि हमारे इतने NPA और RBI कहता है कि हमारे गिनने के तरीके से NPA कम बता रहे हैं जबकि ज्यादा होने चाहिए, इसको लेकर वाद विवाद था। ठीक है, उसकी जांच हुई होगी या जो भी होगा, या येस बैंक ने जो एडजस्टमेंट किए होंगे या RBI ने देखा होगा। अब जो रिपोर्ट आई उसमें बोला कि RBI जितना NPA समझता है और येस बैंक जितना NPA समझता है, दोनों बराबर है, तो बुक्स में कोई हेरफेर वैसा नहीं होगा। एक मौका बनता है येस बैंक के लिए उछाल का, इसके दम पर ये भागेगा। मैं अभी से कह रहा हूँ आपको, जहाँ खुले वहीं येस बैंक खरीद लीजिए। 165 का स्टॉप लॉस है आपका, 180, 185, 190 कम से कम तीन बड़े लंबे टारगेट के लिए खरीदना है। बैंक करीब 17 रुपए ऊपर, 10% 186 का भाव है। जहां खुलेगा वहीं से भी खरीदना चाहिए। सिर्फ 25% ऊपर है यस बैंक, जहां खुले वहीं खरीदिए, वहां से भी भागेगा। यह है यस बैंक का बड़ा कारनामा, 25% की बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ 25% ऊपर है, तो उसके बाद लगा था कि बस यहाँ तक ही तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद तो रुका ही नहीं है स्टॉक, अब 27% के आसपास तेजी। अच्छा, जिनका एक्सपोजर, जिसको एक्सपोजर है यानी जिसको लोन दे रखा है येस बैंक ने, क्या वो कुछ कंपनियां भी हो सकता है कि मार्केट पर रडार पे आ जाए? डाइवर्जेंस तो मिला ही इनके बुक्स में। हाँ, हो सकता है, संभव है, क्योंकि फिर भाई अगर डाइवर्जेंस नहीं, सी डाइवर्जेंस क्या होता है पहले ये समझ लेना चाहिए। बैलेंस शीट में एक लोगों ने एनुअल रिपोर्ट में येस बैंक के ये पढ़ा कि येस बैंक ने ये कहा कि हमारे जितने NPA हैं, RBI अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करे तो उनके हिसाब से NPA ज़्यादा होते हैं, हमारे हिसाब से कम है, और उसको कहते हैं डाइवर्जेंस, कि RBI अगर ज़्यादा मान रहा है और आप कम मान रहे तो वो कितना अमाउंट का है। वो जब फिगर सामने आया तो उसको लेकर बड़ा हो हल्ला मचा। येस बैंक का कहना था कि हमारे हिसाब से NPA नहीं, ये पैसे आ जाएंगे, इनमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। मार्केट ने भरोसा किया, नहीं किया, कम किया, क्या ज़्यादा किया, वो अलग बात है। ठीक है, अब जो रिपोर्ट आई है उसमें RBI ने क्लीन चिट दे दी एक तरह से कि कोई डाइवर्जेंस नहीं है। इसका मतलब है कि जितना येस बैंक NPA बोल रहा है उतने ही NPA वाकई में है। तो क्या हुआ होगा, या तो प्रोविजनिंग बढ़ी होगी या NPA बढ़े होंगे, जिनको पहले RBI NPA मान रहा था और येस बैंक नहीं मान रहा था, या तो वैसा हुआ होगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं, NPA बढ़े नहीं, प्रोविजनिंग बढ़ी नहीं। इसका मतलब है कि जो येस बैंक कह रहा था कि NPA नहीं है, वो बात सही है, पैसे आ गए होंगे तो अपने आप NPA से निकल गया, उनके हिसाब से, RBI के हिसाब से भी, उनका तो उनके हिसाब से तो था ही नहीं, RBI के हिसाब से भी निकल गया, इसलिए बाजार खुश हुआ। मेरा इशारा थोड़ा NBFC की तरफ था, क्योंकि अगर NPA वापस आ गए तो जिनसे डर था कि रकम वापस नहीं आएगी, क्या पता उनके आ ही गए होंगे, तो भाई येस बैंक को तो यही लग रहा था कि पैसे आ जाएंगे, RBI के हिसाब से आना नहीं आना वो एक अलग चीज थी, तो इसलिए क्लियर कट ये बात। लेकिन विश्वेश जी 180 170 के जोन से बोलते चले आ रहे हैं कि येस बैंक को एक्यूमुलेट करो, येस बैंक खरीद के चलो, कुछ अलग डेटा पढ़ लिया आपने इस बार? मेरे हिसाब से देखो, मार्केट को आप
अगर डिमांड सप्लाई के फॉर्म में देखोगे और उस ऑन टॉप ऑफ इट आपकी जो फेवरेट टेक्निक है आप उसको अप्लाई करोगे, तो मेरे हिसाब से आप हमेशा एक स्टेप अहेड रहोगे, क्योंकि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग विच इज़ नोन टू द मार्केट. सारा कुछ पढ़ाई करके के बाद, सारी पॉलिसी नोन के बाद, आप दो ही चीज़ कर सकते हो. इनफैक्ट अनिल जी के हिसाब से तीसरी चीज़ होल्ड भी कर सकते हो, बट एक्शन फॉर्म में आप या बाय करते हो या सेल करते हो. तो अगर आप बेरिश हो तो आप बेचते हो, और अगर आप बुलिश हो तो खरीदते हो. जब आप बेरिश हो और आप बेचते हो और वो सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, और फंडामेंटली कोई मटेरियलिस्टिक चेंज नहीं आया है, ऑन टॉप ऑफ इट बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि मैं तो तीनों चीज़ें करता हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि दैट बिकम्स अ वेरी वेरी सॉलिड कैंडिडेट फॉर यू टू कीप इन रडार. और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं. यस बैंक सबसे लिक्विड ऑप्शन है, वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो. अभी सेम तरह का डेटा मेरा ऐसा मानना है रजत सेल में फॉर्म हुआ है, सुबह मैंने डिस्कस किया था, तो गिर रहा है, आप सेलिंग कर रहे हो, फंड सेलिंग कर रहा है, खराब न्यूज़ आ रहे हैं, और जो उसकी प्राइस रेंज थी इतनी बड़ी हो रही थी वो घट रही है धीरे धीरे, तो मीन्स उसकी वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है, मार्केट कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इंडिकेटिंग, कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहा है, दैट इज़ हाउ आई हैव सीन. चलिए बैंकिंग बात करेंगे, लेकिन एक नतीजे फटाफट से देख लें. लाओपाला के नतीजे और मुनाफे की फिगर घट कर आई है, 22.8 करोड़ से घटकर 21.8 करोड़, 22.8 करोड़ के मुकाबले 21.8 करोड़ का मुनाफा जो लाओपाला ने दर्ज किया है बीती तिमाही में. एक बार कुणाल जी देख के बताएं, चार्ट स्ट्रक्चर क्या बताते हैं 203 के लेवल पे. सर देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, पहली बात तो रजत बहुत ही इलिक्विड काउंटर है, तो इसमें आमतौर पर ट्रेडिंग की मेरी बिल्कुल भी राय नहीं रहती है, लेकिन जिनके पास निवेश है उनको 200 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखना है, और 200 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के आप होल्ड करें. मुझे लगता है कि 212 के ऊपर निकलेगा तभी नई तेजी बनेगी, तो 212 के ऊपर खरीदारी की राय रहेगी, 200 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नई खरीदारी की राय ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं. चलिए, तो 212 के ऊपर निकलता है तभी यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशन लेने की सलाह होगी, लेकिन उससे पहले अवॉइड करें, कोई ट्रेड करने की जरूरत फिलहाल लाओपाला में नहीं है, वैसे भी वॉल्यूम्स बहुत थिन रहते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में. लेकिन करूर वैश्या बैंक, देखिए अभी हमने येस बैंक की बात की, वहाँ पर 26% रिटर्न दिखाई दे रहे हैं आपको, करूर वैश्या बैंक में बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति आपको दिखाई देगी, और ये स्टॉक आज दबाव में है. मेरी सहयोगी पूजा से मेरे साथ जुड़ी है. पूजा बताएं, 13% अभी भी रिकवरी के बावजूद 13% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा हुआ कि करूर वैसे बैंक. देखिए नतीजे तो कमजोर थे ही, लेकिन उसके बाद जो कॉनकॉल हुई और उसमें जो डिटेल्स निकल कर आई हैं मैनेजमेंट की तरफ से, वो और भी ज्यादा उसमें दिक्कतें दिखाई दी, क्योंकि अब मैनेजमेंट का खुद ही कहना है कि आने वाले समय में इनके जो NPAs हैं वो और बढ़ेंगे, क्योंकि एक आध NBFCs जैसे कि IL&FS में भी कंपनी का एक्सपोजर है, तो वहां से कुछ और भी NPA देखने को मिल सकते हैं. कॉनकॉल में क्या 10 बड़ी बातें थी वो पहले आपको बता देते हैं, और फोकस उनका नए NPA यानी कि स्लिपेजेस पर ही था, जिसकी वजह से मार्केट एक नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है कंपनी पर. बैंक के ग्रॉस स्लिपेजेस अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, 888 करोड़ के नंबर्स इस बार पोस्ट हुए हैं, नए एनपीए बने हैं इस बार बैंक की बुक्स में, जिसमें कि कॉर्पोरेट बुक में तो दबाव था ही, उसमें IL&FS में जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, जिसमें कि करीब 314 करोड़ का एक्सपोजर है IL&FS में, और माना जा रहा है कि वो आगे चलकर एनपीए हो सकता है. इसी के साथ ही साथ बैंक की जो SME पोर्टफोलियो है यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो पोर्टफोलियो है उसमें भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, और मैनेजमेंट का यह भी कहना है कि आने वाले समय में नेट स्लिपेजेस रेशियो यानी कि जो नए एनपीए होंगे वो 1.8% के आसपास होंगे. बैंक शुरू से जो गाइडेंस दे रही है पिछले काफ़ी सारे तिमाही से वो 1.5% की है, अब जो नए गाइडेंस आए हैं वो 1.8% के आसपास आ चुके हैं, जो कि मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, तो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि करूर वैश्य बैंक के बुक्स में और ज़्यादा दबाव रहेगा एनपीए को लेकर. चलिए, तो एनपीए को लेकर और साथ साथ स्लिपेजेस को लेकर हो सकता है कि और दबाव करूर वैश्य पे देखने को मिले. शुभम जी से मैं हमारे साथ मौजूद हैं. शुभम जी एक बार देख के बताएं, करूर वैश्य बैंक सर अगर आप इसको ट्रैक करते हो तो 69 के लेवल के नीचे आया स्टॉक, बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है आज के सत्र में. गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून रजत. पहले मार्केट में मुझे लगता है कि एक करूर वैश्य बैंक से ही बहुत रिलेटेड है, बट ओवरऑल अगर आप मार्केट का मूवमेंट देखेंगे तो आज कौन सा दिन है, आज वैलेंटाइंस डे है, और जनरली वैलेंटाइंस डे को होता क्या है, जब आप स्कूल में, मतलब जब मैं स्कूल में था एटलीस्ट, तब मैंने एक बिहेवियर ऑब्जर्व किया था कि जितने भी अच्छी लड़कियां हैं जो इस टर्म में निवेशक हैं, उसको बहुत सारे लड़के आकर के प्रपोज करके आई लव यू बोल करके जाते थे, और वही आज हो रहा है मार्केट में. आप टॉप 60 गेनर्स को देखिए, उसमें से 55 ऐसे हैं कि उसको आप आई लव यू 2 वापस नहीं बोल सकते. तो जिस तरह का आज मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है, आप सबको अगर आई लव यू 2 अगर निवेशक बोलना चालू कर दे, मार्केट बिल्कुल वैलेंटाइंस डे मना रहा है, जितने पिटे हुए स्टॉक थे सब में रैली आया है, बहुत अच्छा मौका दे रहा है एग्जिट करने के लिए. बट हमारा काम एज ए निवेशक होना चाहिए आप आई लव यू 2 ना बोले, इसको यूज करें एज एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इन तरह के जो स्टॉक का क्वालिटी है
वो एक वन डे वंडर बिल्कुल हो सकता है, बट ओवरऑल मोमेंटम मुझे नहीं लगता है कि कंटिन्यू होगा। तो करूर वैश्य बैंक की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, एक पिटावा स्टॉक है, टेम्पररी यहाँ पे पुल बैक जरूर देखने को मिल रहा है। मेरी यहाँ पे कोई राय नहीं होगी कि कोई ट्रेडिंग वाइज आप यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बनाए, अच्छा मौका मिल रहा है, निकलना चाहिए। चलिए, तो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया उन्होंने स्टॉक मार्केट को, इसमें स्कूल में जो इनके साथ कलीग्स पढ़ती थी लड़कियां उनके साथ कंपेयर किया, कह रहे हैं बॉटम जो लड़कियां आती थी, कैसे डिमार्केशन किया मेरे को समझ में नहीं आया, वो स्कूल में होते तो पता लगता है इनको, मतलब इनका इतिहास काफ़ी ज़बरदस्त रहा होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन शुभम जी, आज आप कुछ भी बोलो ऑड मैन आउट हो गए हो एकदम, आप अकेले ही है ना जो मतलब वैलेंटाइन माहौल में नहीं हो, लेकिन मूड जो है वैलेंटाइन डे वाला वो हम सबसे ज़्यादा शुभम जी का है, राइट? मूड विशेष ये तो दिख रहा है ना, मूड सबसे ज़्यादा उनका है। बिल्कुल अनिल जी, आज मैं मीटिंग, बिल्कुल आज मैं मीटिंग से सीधा आया तो रेड कुछ पहनने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन दिल में तो बिल्कुल है और मैं आपके साथ मना भी रहा हूँ। और मैं पूरी तरह से उम्मीद कर रहा हूँ आपकी जो मीटिंग्स थी जिस जहाँ से आप आए वो ऑफिशियल मीटिंग नहीं रही होगी। तो ऑप्शंस के अलावा तो हम कुछ करते ही नहीं है। चलिए अच्छी बात है, ओके। अब आने वाले नतीजों पे फोकस करें, ग्लेनमार्क के नतीजे आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए देवांशी मेरे सहयोगी से मौजूद है। देवांशी बताएं, ग्लेनमार्क के नतीजे कैसे रह सकते हैं? ग्लेनमार्क के नतीजे अच्छे रहेंगे, यहाँ पे जितनी भी ज्योग्राफीज हैं सब में से यहाँ पे इस बार डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान बना हुआ है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पिछले साल तीसरे तिमाही में काफ़ी ख़राब नतीजे आते हुए दिखे थे, तो जो बेस है वो काफ़ी छोटा है, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो परसेंटेज ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा दिखेगी, लगभग 13-14% या उससे भी ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है एबिटा लेवल पर, रेवेन्यू लेवल पर, और मार्जिन यहाँ पे काफ़ी बढ़ते हुए दिखेंगे। जेनरिक का जो कारोबार है वहाँ पे भी हमें काफ़ी एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा जो नए लॉन्चेस हैं उससे जो रियलाइजेशन है वो काफी सुधरते हुए दिखे हैं, तो इसी की वजह से मार्जिन्स को काफी सहारा मिलता हुआ दिखा है। अब जो आय है वो करीब 14-15% बढ़ने का अनुमान दिख रहा है, एबिटा की बात करें तो 40% तक एबिटा यहाँ पे बढ़ सकता है, और यहाँ पे जो टैक्स है वो काफी कम होता हुआ दिख रहा है, और अन्य आय भी यहाँ पे बढ़ रही है जिसकी वजह से जो आपका जो मुनाफा है वो लगभग दुगना बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे बनाई जा रही है, 230 करोड़ का अनुमान बन रहा है। लेकिन इस बार यूएस की जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग रहने का अनुमान है, और ये जो यूरोपियन कारोबार है वो भी काफी स्ट्रांग परफॉर्म कर सकती है। ओके, ये है ग्लेनमार्क के नतीजों का अनुमान आपके लिए। स्टॉक है मजबूत, 10 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वो सेकंड हाफ में है। मैं सेकंड हाफ में जो जो भी ऊपर आ रहा है मैं उसे रिजल्ट के हिसाब से नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ मार्केट के हिसाब से मानूंगा कि मार्केट के हिसाब से ये मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, 2:30 बज चुके हैं, 2:30 बजे आती है स्ट्रेटेजी, लेकिन आज थोड़ी देर बाद आएगी। आज मैंने स्ट्रेटेजी का टाइम थोड़ा आगे सरका दिया, पूछो क्यों? बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। नहीं, ये आजकल 2:45 के बीच में बड़ा एक्शन आने लगा है, तो 2:30 बजे वाले डेटा है ना थोड़े इररिलेवेंट हो रहे हैं, तो आज मैं भी 2 दिनों के पिछले एक्शन से आज सीख ले रहा हूँ, सबक ले रहा हूँ। थोड़ी देर बाद 2:45-3 बजे के आसपास मैं अपनी स्ट्रेटेजी दूंगा कि डेटा क्या कह रहे हैं, और आज तो एक्सपायरी का दिन भी है। लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपने जो कल हमारे दर्शकों ने हमें शेर व शायरी लिख कर भेजी है, कल भी भेजिए, आज भी भेजिए, तो जरा दर्शकों को शामिल कर लें कार्यक्रम में। रजत जी तो सुबह से सुना रहे हैं, सुबह पढ़िए आप, अच्छा लगेगा। आप जब मैं पढ़ूँ? अच्छा, शैलेंद्र गुप्ता साहब का पहला शेर पढ़ लिया जाए। अनिल जी का डाटा एनालिसिस कमाल करता है, डिम्पी जी का सवाल उसमें जान भरता है। हाँ, डिम्पी जी के सवाल में जान तो है, हो सभी ट्रेडर्स का फायदा, यही इंटेंशन है दोनों का, इसीलिए हर ट्रेडर इनको प्यार करता है। वाह 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 तो करो आप, वाह वाह। शैलेंद्र गुप्ता जी, शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। समीर जी का अगला शेर आप देखिए, समीर सुमन साहब है। जब निफ्टी हुआ लाल मेरा हुआ बुरा हाल, आशु मदान हुए माला माल, ब्रोकरों का भी तब बना माल, तब भी अनिल सिंघवी ने किया कमाल, स्टॉप लॉस दिया था बवाल, मैं बच गया होने से कंगाल। वाह, लेकिन कंगाल होने से बचने वाली बात नहीं है समीर जी, मज़ा तो तब आएगा जब आप मोटा पैसा बनाएं, तो वो ज़्यादा मज़ेदार बात होगी। लेकिन हाँ, ये समीर जी का शेर है। ओके, मनीपति, वाह, ये वाला पति पहली बार ही सुना मैंने, नाम बहुत अच्छा। हाँ, नाम अच्छा है ना। हाँ, बहुत सारे अलग अलग पति सुने, मनीपति पहली बार सुना। फ्यूचर एंड ऑप्शन का नहीं है ज्ञान, तो एफएनओ की पाठशाला देखो मेरी जान। वाह वाह, रजत जी का वाह। रजत जी इसलिए वाह क्योंकि एफएनओ की पाठशाला में अगर पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी का है तो वो रजत जी का है। सीखने के बाद करती है कमाई, तो मार्केट टाइम में जी बिजनेस देख मेरे भाई, क्या बात है। वाह, तो मतलब सीखने का सीखना और कमाई की कमाई, वाह मनीपति जी, बहुत जोर।
ओके मणिपति बन गए एफएम की पाठशाला देख। हाँ, डिम्पी जी भी हमारे साथ खड़े। डिम्पी जी, ये है ना, ये जो शैलेंद्र गुप्ता साहब आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, डिम्पी जी का सवाल उसमें जान पड़ता है, अनिल जी का डेटा कमाल करता है, कुछ शैलेंद्र जी को कहना चाहिए आप, मतलब जान कैसे भरते हैं, मतलब कोई वो जिस सीमेंट में जान है कहीं उसका नहीं सर, वैसे ही पूछने की कोशिश रहती है कि थोड़ा तीखा हो, थोड़ा सख्त सवाल, या फिर मेरी कोशिश रहती है जो ट्रेडर्स के मन में चल रहा है ना उसको हाँ। मैं पूछ लूं, इसलिए वो पहले आपने जो बात बोली वो मुझे याद रहेगी, तीखा और सख्त सवाल। अच्छा हाँ, नहीं मतलब मेरी कोशिश रहती है जो ट्रेडर्स के मन में चल रहा है तुरंत पूछ लिया जाए उस समय, क्योंकि उनके मन कई बार वो बचकाना भी हो जाता है, कई बार मैं आपसे बोलता भी हूँ कि सर मेरा सवाल बड़ा बचकाना भी हो सकता है, बड़ा अजीब सा भी हो सकता है, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो एक वैसा ही है कि जिस जो न, बस न, बैठा है टर्मिनल पे। इसमें एक चीज में एक चीज में साफ कर दूं, जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है, उसमें कोई अच्छी या बुरी बचकाना या मतलब वो बड़ी मैच्योर वो वाली चीज नहीं है, तो आप जो करते हैं कमाल करते हैं, आपके साथ रह के करते हैं। चलिए तो डिम्पी जी क्या बताने वाले हैं? मैं सर आपको ये बताने वाला हूँ, ONGC के नतीजे आ रहे हैं कमजोर, बताइए। हालांकि इससे पहले आपके पुट्स के सारे टारगेट अचीव हो गए, अभी नितिन जी खुद बता के गए हैं कि आपके पुट्स के सारे टारगेट अचीव हुए हैं, लेकिन फिर भी आप नतीजों के लिहाज से जान लीजिए क्योंकि इसके नतीजे अच्छे आ नहीं रहे हैं। इसकी आय में आ रही है कमजोरी करीब 5.5-4% की, इसका कामकाजी मुनाफा करीब 5% कम रहेगा, इसकी आय भी मुनाफा भी 11% कम रहने वाला है, तो हर लिहाज पे आपको ये नंबर कमजोर दिखेंगे। वजह जरा समझते जाइए, तेल और गैस दोनों से जुड़ी हुई कंपनी है, जो तेल का उत्पादन है उस तरह प्रोडक्शन ज़रा बढ़ा नहीं, दाम ज़रा बढ़े नहीं, तो इसलिए ये सेगमेंट इसका कमजोर रहेगा नंबर्स के बेसिस पर। गैस की प्रोडक्शन अनुमान भी है 4% बढ़ेगा, वैसे भी बढ़ा है और कुछ दाम भी बढ़े थे, इसलिए ये सेगमेंट इसका ठीक है। अब आते हैं इसके रियलाइजेशन पे, आप जैसे टेलीकॉम में आरपू समझे वैसे इसमें रियलाइजेशन होगा, तो ये $73 से कम होकर ये करीब $65 के आसपास रहने वाला है, तो यहाँ पे जो कमी आएगी इसके नतीजों को कमजोर कर रही है। एक और चीज़, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, इसके अंदर जो अन्य इनकम का कंपोनेंट है वो भी कोई 100-200 करोड़ नहीं है बल्कि 2000 करोड़ रुपये का है, इसलिए वहाँ पे 2400 करोड़ से घटकर ये 2150 करोड़ होगा, यानी करीब 250 करोड़ रुपये इसकी अदर इनकम का हिस्सा भी कम हो जाएगा, जिससे कि प्रॉफिट पर थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ेगा। वैसे कंपनी ने अच्छा काम ये किया है कि जो इसकी लागत है ब्याज की उसको थोड़ा कम किया, डेप्रिसिएशन खर्चों में कमी आई है, तो इससे कुछ बैलेंस हो जाएगा। कुल मिलाकर नटशल में नतीजे कमजोर आ रहे हैं इसके। चलिए, तो नतीजे कमजोर आ रहे हैं ONGC के, लेकिन अभी अभी जो नतीजे हैं वो मैं आपको बता दूं, और वो नतीजे हैं पेज इंडस्ट्रीज के, इसको अपने रडार पर रखें। 738 करोड़ का मुनाफा जो है वो पेज इंडस्ट्रीज ने दर्ज किया, ये पहली फिगर है, और उसके बाद 145 रुपये का जंप लगा दिया। एक बार कुणाल जी फटाफट से आप चार्ट खोलिए पेज इंडस्ट्रीज के, मच अवेटेड रिजल्ट्स से ये, और डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा भी है। फिलहाल 24,467 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। पहला मुनाफे की फिगर आई है हमारे पास, अच्छा अन्य आय की फिगर आई है 9,490 करोड़, ये अन्य आय रिपोर्ट किया है। कुणाल जी फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं सर, कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए रजत, एक 24,600 का लेवल है फ्यूचर्स में, 24,600 के ऊपर निकलेगा तो मेरी राय में खरीदा जाना चाहिए, स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, 24,600 पे रेजिस्टेंस है, ये इंट्राडे में पार हो तो मुझे लगता है कि खरीदना चाहिए, और फिर आपको यहाँ पर 25,000 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो 25,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं अगर ये 25,600 को पार करे। नीचे की ओर 24,100 के नीचे कमजोर हो जाएगा, 24,100 नीचे की ओर टूटा तो 23,800 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, 23,800 तक भी नीचे जा सकता है, लेकिन अहम लेवल टूटना जरूरी है, और इस बीच रिजल्ट के बाद थोड़ी सुस्ती तो आई है, थोड़ी सी कमजोरी आई है 1% के आसपास नीचे, 200 रुपये नीचे, 99 करोड़ के आसपास की फिगर लगा के बैठे थे पेज इंडस्ट्रीज के आएगी मुनाफे के तौर पे 102 करोड़, ये फिगर आई है, लगभग वही है 99 और 102 में कोई खास फर्क है नहीं, 2-3 करोड़ तो चलता है, इतना तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो अन्य आय 9,490 करोड़, ना हाँ, इतनी अन्याय, अगर अन्याय इतनी होगी तो आय कितनी होगी, फिर कुछ तो चेंज होना चाहिए इसमें, आइए देखते हैं थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन तब तक वोल्टास, ये है वो रिजल्ट जो आने की तैयारी में, देवांशी हमारे साथ हैं वोल्टास का अनुमान लेकर। देवांशी बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? देवांशी आवाज आ रही है आपको? जी सर बताइए, वोल्टास के रिजल्ट बताने वाली हैं आप जी, बताइए।
वोल्टास इस तिमाही खराब ही रहने का अनुमान यहाँ पे बन रहा है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक जो सेगमेंट है जहाँ से सहारा मिल सकता है वो उसका एमईपी सेगमेंट है, जो कूलिंग प्रोडक्ट्स है या जो एसी का सेगमेंट है यूसीपी का, वहाँ से काफ़ी ख़राब नतीजा आने की उम्मीद है, और इसी की वजह से यहाँ पे मार्जिन भी काफ़ी ख़राब रहने की उम्मीद बनाई जा रही है। यही नहीं, मैं आपको बता दूँ कि जो टैक्स की दरें हैं वो भी बढ़ सकती हैं, इसी की वजह से मुनाफे पर और ज़्यादा असर होने का अनुमान है, और साथ ही जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी एसी के पार्ट्स पर उसकी वजह से मार्जिन पर भी यहाँ पे काफ़ी असर देखने को मिल सकती है। इन ऑल अगर देखें तो जो आय है वो करीब 10% बढ़ सकती है, क्योंकि एमईपी सेगमेंट में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़त देखने का अनुमान है, लेकिन जो यूसीपी सेगमेंट है वो ऑफसेट कर देंगे। और अगर मार्जिन की बात करें तो लगभग 8.3% रहने का अनुमान यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जो करीब 30 basis points की गिरावट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। और अगर मुनाफे की बात करें तो 103 crores के आसपास यहाँ पे मुनाफा आ सकता है। इन ऑल वोल्टास के नतीजे काफ़ी ख़राब रह सकते हैं, तो वोल्टास के नतीजे खराब रह सकते हैं, लेकिन इसी बीच पेज इंडस्ट्रीज में बात कर रहे थे, उसमें सिर्फ 9.5 करोड़ की अदर इनकम है, इससे ज़्यादा नहीं है, 5.3 करोड़ से ये बढ़ी है सालाना आधार पर, और इनकी जो आय है वो 621 करोड़ से बढ़कर 738 करोड़ रही है, और मुनाफे के फिगर ये 102 करोड़ के आसपास है, जो कि 83 करोड़ से बढ़ती हुई नजर आई है। रिजल्ट ये लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट स्टॉक पे देखने को मिली है। लेकिन नेस्ले एक और कंपनी जो नतीजे पेश करेगी, और सुमित हमारे साथ इसमें मौजूद है। सुमित, बताएं नेस्ले के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं? शुक्रिया रजत। देखिए, नेस्ले के इसमें अनुमान लगाया जा रहा है करीब 12% के आसपास इनका मुनाफा जो इस तिमाही के अंदर बढ़ सकता है, और ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 15% के आसपास बढ़ सकता है। दो तीन चीज़ें बहुत क्रूशियल है नेस्ले के साथ। पहला, इस बारी जो इनपुट कॉस्ट है इनकी, इसमें दूध आता है, चीनी आता है, उसकी कीमतों में कमी आते हुए दिखाई पड़ी है, वो इनको रिलीफ देगा, करीब 2.5% के आसपास का रिलीफ वो इनके मार्जिन में देगा। लेकिन क्योंकि कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि हाई एंड पर हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, इसकी वजह से हायर एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग रही है, इससे जो भी बेनिफिट इन्हें मार्जिन में मिल रहा है वो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगा, और 0.5% के आसपास का बेनिफिट एंड में रहेगा, तो मार्जिन सिर्फ 0.5% इनके बढ़ रहे हैं। दो तीन चीज़ें और जो है उसमें, एक इनके डोमेस्टिक वॉल्यूम करीब 10% बढ़ने का अनुमान है, और एक्सपोर्ट वॉल्यूम करीब 7% बढ़ने का अनुमान है। ये सब ब्रोकर्स के एस्टिमेट है इन रिपोर्ट्स के आधार पर। हो सकता है नंबर वॉल्यूम के लिहाज से थोड़े कमजोर आते हुए दिखाई पड़े, अगर ऐसा होता है तो मार्केट इसको शायद नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े। तो चलिए, वॉल्यूम मार्जिन दो चीजें बड़ी अहम है, कितना वॉल्यूम बता रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है? डोमेस्टिक फ्रंट पे करीब 10% और एक्सपोर्ट पे 6-7% अपर एंड पे। अगर वो वीक हो गया 5% 7% ब्रिटानिया का आया था वॉल्यूम ग्रोथ, वो लेकिन उनका डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक 10% मान, डोमेस्टिक 10%। तो अगर ब्रिटानिया ने 7% डोमेस्टिक दिया, इसका 10%, तो उम्मीद थोड़ी हायर साइड पर। अनिल जी, एक बहुत बड़ी चीज जो है, अगर रॉयल्टी को लेकर कुछ आ गया तो मार्केट उसे क्रूशियली देखेगा। दबेज वन से बात तो चल रही है, वो सबसे अहम होगा। और दूसरी चीज, अगर मार्जिन पे 2.5% बेनिफिट नहीं मिला तो भी बाजार से नेगेटिवली लेगा। तो ये दो चीजें, इस बार इनपुट गिरा है उसके बावजूद, अगर बट अच्छी बात है कि स्टॉक आज कमजोर होने से इनकार कर रहा है। आपने जो बात कही थी मैगी वाली, वो बात सच है कि इस बार मैगी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आई जितनी पहले आई। मैंने भी कम कर लिया खाना थोड़ी, लेकिन ये बात है, जब किसी का सहारा ना हो ना तो मैगी का ही सहारा लेना पड़ता है खाने में। क्यों ये सुमित, ये पेज इंडस्ट्रीज कितने स्पेशल डिविडेंड देता है? तो इस बार ₹71 के आसपास का स्पेशल डिविडेंड से पहली बार दिया है। नहीं, ₹41 का इसका भी इंटरिम डिविडेंड दे दिया, और इंटरिम तीसरा इंटरिम डिविडेंड है इस बार, इस साल तीसरा इंटरिम डिविडेंड दिया, और साथ ही साथ ₹70 प्रति शेयर का एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस कर दिया इस रिजल्ट। देखिए रजत, आमतौर पर ₹40-45 की रेंज में इसका डिविडेंड चलता है। अच्छा, ये हायर एंड पर है, फेस वैल्यू भी के हिसाब से डिविडेंड अच्छी साइड पर काउंट किया जाता है, प्राइस के हिसाब से काफी कम है, यील्ड बहुत छोटा है। इसमें दो चीजें बहुत क्रूशियल हैं, एक अदर इनकम 5 करोड़ थी जो बढ़कर 9 करोड़ रुपए हुई है, वो अदर इनकम बढ़ी सीक्वेंशली, ये गिरी थी। इनकी इनपुट कॉस्ट एस्केलेट होके आई है, जबकि इनपुट कॉस्ट कम होती है। पेज इंडस्ट्री के केस में ये रॉयल्टी पे करते हैं अपने पेरेंट को, वहां पर इनको एक डेंट लग रहा है। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पहली बार जब चांद पे नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो इन्हीं का इनरवेयर यू पहन के गए थे। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कंपनी ने खुद मेंशन किया हुआ है। एंटी ग्रेविटी वो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट का टेक्सचर ऐसा बनाना था जो बहुत मुश्किल था बनाना, तो वो इन्होंने जनरल नॉलेज बढ़ाने में क्या दिक्कत है? जीके रजत, इसमें क्या है, जनरल नॉलेज जितना नॉलेज तो जितना हो, एंटी ग्रेविटी उतना बढ़िया। ठीक, देखो अगर सुमित पढ़कर आए हैं तो बताएंगे भाई इसमें क्या है। इसी को तो रिसर्च कहते हैं। हाँ, इसी को रिसर्च कहते, लेकिन ये रिसर्च वो वाली रिसर्च ढूंढने वाली रिसर्च बार बार ढूंढना। आइए, तो नेस्ले ये है आज नंबर पे पेश करने वाले स्टॉक, 10600 पर है। मनसा जी बड़े देर से खामोश हैं। नेस्ले रिजल्ट के पहले ट्रेड रेंज टारगेट कुछ है तो बताइए। देखिए अनिल जी, ट्रेड नतीजों से पहले यहाँ पर एक पुलबैक देखने को मिल रहा है, बट ऊपर में 10,850 से लेकर 10,870
एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, इसके ऊपर निकले तभी तेजी करनी चाहिए, एल्स चांसेस लगते हैं अनिल जी यहाँ पर नीचे में 10,200-10,250 तक स्टॉक फिसल सकता है। तो और अनिल जी कल भी इस पर आपसे जब बात हुई थी तो बिकवाली की राय दी थी और तब 10,300 के लक्ष्य दिए थे और आज का लो 10,310 का है। ओके, 10,310 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस क्या बता रहे, क्या रखना चाहिए? नहीं अनिल जी, मैं कह रहा हूँ कल भी जब आपने इस पे बिकवाली की राय दी थी तो अब 10,300 का लक्ष्य मैंने दिया था और हाँ। आज का लो 10,310 का है, वहीं से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है और आज की रेंज है अनिल जी 10,850 के ऊपर निकलेगा तभी तेजी की शुरुआत होगी यहाँ पर। ठीक है, 10,850-10,300 यह रेंज, इस बीच में कुछ ना करें यह बेहतर होगा। तो चलिए ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखते हैं, है ना। बिल्कुल, 2,40 हो गए आपकी स्ट्रैटेजी अगर तैयार है तो। मैं 2,40 तो थोड़ी देर में तैयार, मैं 2:45 के आसपास, 5 मिनट दे दीजिए, थोड़े और डेटा मेरे तैयार हो जाए उसके बाद देता हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल जो बाजार का मूड है वो मैं आपको बता दूं कि निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, 10,754 कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, अभी भी 40 पॉइंट्स नीचे है कल के क्लोजिंग के हिसाब से। लेकिन एक सेक्टर जो चल पड़ा उसमें ऑटो शेयरों की आज बारी है, जिसमें हीरो मोटो का टाटा मोटर्स DVR ये स्टॉक्स तेज हैं आज, 4% से ज्यादा की तेजी से हमें टाटा मोटर्स पे देखने को मिल रही है। एक बार शुभम जी आप देख के बताएं, अगर ऑटो स्टॉक कोई भी पसंद आ रहा हो अभी, हीरो मोटो कॉर्प, टाटा मोटर्स, इन स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है? रजत, यहाँ पे अगर टाटा मोटर्स को देखें तो मुझे लगता है जो थोड़े दिन पहले एक बड़ा स्पाइक का फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, अब उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, अभी एक पुलबैक मोड में है, 165-166 तक एक्सटेंड हो सकता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे अब एक बॉटमिंग आउट का फॉर्मेशन एटलीस्ट यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ खरीदने के लिए। ऑटो में अगर मुझे कुछ चूज करना है तो मैं TVS मोटर के साथ जाना चाहूंगा, बिकॉज TVS मोटर रिलेटिवली मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सेफ बेट है और एटलीस्ट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो एक पुल बैक वहां पे जरूर देखने को मिलना चाहिए। 475-480 ये काफी समय से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहा है और आज हमने देखा कि वहां पे एक काउंटर मूव कल के फॉल के बाद देखने को मिला है, तो वहां पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 480 के आसपास और अपसाइड में मुझे लगता है कि 515 तक के लेवल TVS मोटर में आते हुए दिखेंगे, तो ऑटो में से TVS मोटर यहां पे मेरा टॉपिक रहेगा। एस्कॉर्ट्स में तेजी है, TVS मोटर में तेजी है, साथ साथ हीरो मोटो को आप और टाटा मोटर्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन टायर्स में C8 एक स्ट्रक्चर जिसमें आज के सत्र में लगभग 3-3.5% के रिटर्न मिल रहे हैं, कुछ डेटा यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है विश्वेश जी, C8 में आज अच्छी रफ्तार में ये स्टॉक। बेसिकली आज अगर देखेंगे तो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ऑटो इज कि ऑटो में सबसे ज़्यादा जो OI बिल्टअप है, मैं ऑटो एंसिलरी को भी इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, वो हमारा राजा बैटरी में 19% OI बढ़ रहा है और मार्जिनली नेगेटिव है। जितने भी स्टॉक आज ऑटो में 3% के ऊपर है उनका वॉल्यूम रिलेटिवली लोअर है और कहीं ना कहीं 2% OI ऐड हुआ है, तो मेरे हिसाब से एंड ऑफ द डे देखना मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादा जरूरी होगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा आज के दिन में मेरे हिसाब से लग के आ रहा है वो है फाइनेंशियल स्पेस में, सारे DHFL हो गया या फिर उज्जीवन हो गया, इक्विटास हो गया, वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स है अलॉन्ग विद OI, सो ऑटो डेफिनेटली है बट आई वुड लाइक टू स्टिल फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टॉक्स। फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी है, अब दीवान हाउसिंग जो है इसमें तेजी बढ़ गई और 18% के आसपास तेज हो चुका है, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 7% की तेजी है, रिलायंस कैपिटल जिसके नतीजे तो वो अब 7% के आसपास तेजी में है और उज्जीवन यहाँ पर 5.5-6% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई। कुणाल जी आज तेजी है पूरे NBFC स्पेस में, कोई स्टॉक जिसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं सर? देखिए कई सारे स्टॉक्स को मैं देख रहा हूँ रजत, जिसमें मुझे पिरामल एंटरप्राइजेस में एक मूव आता हुआ नजर आ रहा है, इसमें भी एक ब्रेकआउट का इंतजार है, जैसे ही काउंटर 2,240-2,250 के लेवल्स को पार करेगा तो फ्यूचर्स में इसमें भी एक ब्रेकआउट आएगा जो मुझे लगता है 2,350 तक इसको ले जाएगा। कैनफिन होम जिसमें कि हमने कल भी बड़ी तेजी देखी थी, माफ कीजिए 2 दिन पहले तेजी देखी थी, कल कुछ सुस्ती थी, आज इसमें रिन्यूड एक्शन देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि इस काउंटर में भी आपको एक बड़ी तेजी 290 तक की देखने को मिल सकती है, तो दोनों ही काउंटर्स को रडार पर रखा हुआ है रजत, जैसे कोई बाय सिग्नल आएगा BTS के जरिए आपको बताएंगे। जैसे खोज जारी है ना, भारत एक खोज है। हाँ खोज जारी है, मतलब बस यही कि कुणाल जी खोजते खोजते कहीं दूर ना निकल जाए बस, है ना। ओके, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन कई सारे स्टॉक्स में दिख रहा है, उनमें अब एक और स्टॉक है जो इस एक्शन में बेहतरीन तरीके से शामिल हो रहा है, वो है रेपको होम फाइनेंस। जरा विश्वेश जी इस पर राय ये दीजिए, इसको कैसे देखा जाए, ये नीचे से ऊपर आया है या ऊपर से नीचे है, देखना कैसे इसको?
अनिल जी, सुबह बहुत ही बेहतरीन शॉट था आपका, और कहीं ना कहीं मैंने ये मेंशन किया था अगेंस्ट यू नो हमारे जो मंदोलियों के सरदना थे, हमारे साथ थे, और वो वैलेंटाइन डे के काफ़ी यू नो अपने जवानी के जोश में थे, तो उसके बावजूद हमने कहा था कि यहाँ शॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, वो ये कर रहा हूँ कि सारे NBFC स्पेस में जो बिल्टअप हो रहा है अलॉन्ग विद द ड्राइंग वॉल्यूम और उनके जो रिसेंट स्विंग्स निकल रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू थी, और उज्जीवन सुबह 253 वाला अभी 278 चल रहा है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका वेव 4 अगर कंप्लीट हो गया तो इन दैट केस 295 भी हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर आप लॉन्ग नहीं करते हो तो शॉर्ट के लिए थोड़ा सा वेट करिए, मेरे हिसाब से मार्केट में शायद अपॉर्चुनिटी और बेटर के लेवल मिल सकती है। अच्छा, एक शेयर है कर्नाटका बैंक, यहाँ पर 5% की तेजी हो चुकी है और 115 के लेवल पे, अभी 115.50 के लेवल पे पार करता हुआ नजर आया है फ्यूचर्स सेगमेंट में। एक बार राकेश जी आप देख के बताएं, कर्नाटका बैंक एक तरफा चाल है आज, लगभग 4.5% की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है स्टॉक में। देखिए रजत, यहाँ पर भी मुझे लगता है मंदी करने वाले फंस रहे हैं, और यहाँ पर मंदी करने वाले फंस चुके हैं, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली थी। एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है रजत कि यहाँ पर जिन्होंने लॉन्ग करा हुआ है वो 112 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और 116 रुपये के ऊपर निकले हैं तो क्या कहते हैं, तब यहाँ पर नई खरीदारी करनी चाहिए। बट रजत, आज सबसे अच्छी कमेंट्री जो दे रहे हैं ना वो विश्वेश दे रहे हैं, उन्होंने कुछ बातें ऐसी करी है, अगर आज वो मेरे साथ होते, मैं बम्बई में होता या वो दिल्ली में होते तो उनको डेफिनेटली उनको अरे ट्रीट देता। नहीं तो आप एक काम करो, उनके अकाउंट में से ट्रांसफर कर लो, ट्रीट हम ले लेंगे। क्यों विश्वेश जी, देखिए हमारा जो है ना, मैं मानता हूँ कि अ गुड ट्रेडर नेवर फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग, एक मिनट उसको छोड़ो, पहले ट्रीट की बात फाइनल करो ना। नहीं तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, फिर पर अगर बंसल जी ट्रीट देना चाहते हैं तो उसके लिए तो हमेशा हम रेडी। आप अकेले तो नहीं जाते हो ना ट्रीट में? हम सब साथ में, हम सब स्कूल के यूनिफॉर्म। हाँ, तीन जनों के लिए, और डिम्पी जी तो होंगे ही, देखिए आपके फेवरेट है उनको, तो आपके चार जनों के हिसाब से, या तो आप बता दें कि पहले आप ट्रांसफर कर ले तो हमें पता रहे कि बजट क्या है पार्टी का, नहीं तो फिर वाउचर देंगे बना चार में मेरे को जोड़ लिया ना। हाँ, चार में आपको जोड़ना ही पड़ेगा ना, बीच में जो बैठे हैं। चलिए लेकिन हाँ, नहीं हमको गन की जरूरत है, अगर कोई घुसपैठ करता है तो हमको रजत देव गन चाहिए। बिल्कुल रजत जी तो साथ में चाहिए ही चाहिए, लेकिन हाँ ये बात आपकी तारीफ जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, क्योंकि सुबह जब आप SRF का कॉल दे रहे थे तो मेरे मन में बहुत बड़ा शक आया था आपके ऊपर। फिर आप शक करा कर, लास्ट टाइम आपने टाटा स्टील में शक करा था, चल गया था। तो मेरे हिसाब से इनवर्स ऑफ योर शक इज पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। नहीं, कुछ कॉल्स में नहीं आता, कुछ कुछ कॉल्स में आता है कि ये ठीक तो कर रहे हैं ना विश्वेश जी। मैं एक चीज बताऊं सर, मैं कोशिश ये करता हूं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में डिक्लाइन पे करूं। मैं थोड़े टाइम पहले राहुल अरोरा जी को सुन रहा था, ही वाज अ वेरी सेंसिबल गाई, स्टेट इलेक्शन के दिन हमारे साथ थे, उन्होंने बोला 10-300 के नीचे नहीं है, और वहीं खुला था उस दिन, हमने बाय भी दिया था। उनकी बाय लिस्ट में उज्जीवन था, उन्होंने बोला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अगर NBFC, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, जो समझदार लोग हैं, जो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट वगैरह रीड करते हैं वो बायर है, और अगर डिक्लाइन आता है तो लेना है। आप देखिए 253 वाला आज 280 हो गया है, तो दैट इज द काइंड ऑफ, तो या तो आप आशु जी की सुन के मंदी कर लीजिए, वहां पे पैसा बनता है, या फिर डिक्लाइन पे मेरी सुन के तेजी कर लीजिए, लेकिन इन बोथ द केस आप अगर दोनों साइड ट्रेड करते हो, जी बिजनेस देखते हो, तो आपके लिए हैप्पी वैलेंटाइन डेफिनेटली है। चलिए जो भी करें लेकिन सावधानी पूर्वक करें, वो ज्यादा बढ़िया होगा ये आपके लिए। बस 50 पॉइंट्स के आसपास गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है, स्क्रीन तो बदल रही है यहाँ पर, हरे निशान में काम का जो आएगी, आएगी। ऐसे स्टॉक्स में मेरे डेटा तैयार हो रहे हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या बदलने वाला है। निफ्टी अभी 10,750 के नीचे, बस 4-5 मिनट दीजिए रजत, उसके बाद 52 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, और सेंसेक्स में भी 150 अंकों के आसपास की गिरावट है। हाँ, जो तेजी बनी वो 100 पॉइंट की बन चुकी है निफ्टी बैंक में, अब 26,990 के आसपास ट्रेड होना शुरू हो गया, और साथ ही साथ रुपया जो 71.13 के पार हो गया, ये कहीं ना कहीं कंसर्न होता है वो नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल मैं आपको फटाफट से एक सूची बता दूं, जो आज के स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उसमें एक है जैन इरिगेशन। देखिए ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा पिटाई हो गई थी, लेकिन निचले स्तरों से अब खरीदारी है। एक है जैन इरिगेशन, दूसरा है PC ज्वेलर, यहां पर एक मूव जो है बहुत तेज बनता हुआ नजर आया, और ADAG के जो शेयर्स हैं जिसमें रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेज होते हुए नजर आया। रिलायंस पावर यहां पर भी 4% के आसपास की तेजी बन चुकी है, और ऑटो स्टॉक्स तो ऑलरेडी तेज हैं। फाइनेंस स्टॉक्स का दिन है आज, एक स्टॉक है अरविंद जहां पर लोअर लेवल से आज खरीदारी देखने को मिल रही है, और NCC आज भी 3% ऊपर है। कुणाल जी एक बार NCC देख के बताएं सर, अभी भी 85 का स्तर, 85-86 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 3% मजबूती आज के मार्केट में, कैसे देख रहे हैं स्ट्रक्चर को आप?
देखिए एनसीसी एक रेंज में है रजत, और 78 और 90 ये दो इसके कॉन्टूअर्स हैं। और देखिए काफ़ी वक्त से, लगभग 3 महीनों से हम देख रहे हैं कि एनसीसी 90 के आसपास जाता है, बिकवाली का दबाव इसमें आने लगता है और फिर ये 78 तक फिसल जाता है। 80 से लेकर 78 के बीच सपोर्ट है और कहीं उस रेंज के मध्य में अब ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको अगर रेंज प्ले करनी है तो निचले स्तरों पर खरीद के ऊपर बेचें एक रणनीति हो सकती है, अन्यथा इस काउंटर से दूर रहें बेहतर रहेगा। एक स्टॉक है वाटेक वबा का, इसमें ऑर्डर मिलने की खबर थी, हालांकि स्टॉक पे कोई उतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी है 292 लेवल्स। अगर राकेश जी आप देख के बता पाएं वाटेक वबा का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? देखिए रजत, इस स्टॉक को अगर आप देखें तो काफी समय से साइडवेज जोन में रहा है और आज एक बॉटमिंग के संकेत आ रहे हैं, बट कंफर्मेशन आएगी रजत अगर 305 के ऊपर की क्लोजिंग आए, 305 के ऊपर निकले तभी डिलीवरी के नजरिए से खरीदना चाहिए, एल्स वेट एंड वॉच करते रहे। लेकिन कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में तेजी है उसमें BML ये स्टॉक अब 3% ऊपर आ चुका है। और मुद्दा यही है कि डेरिवेटिव मार्केट में एकदम से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्टिव होते हुए नजर आए, आज के मार्केट में बाजार गिर रहा है लेकिन इन स्टॉक्स में बिल्कुल रिवर्स ट्रेंड देखने को मिला। एक बार विश्वेश जी BML देख के बताएं सर, 3% ऊपर है 781 दिन के उच्चतम। सर मेरे हिसाब से 758 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस होना चाहिए, 786 चल रहा है फ्यूचर में फिलहाल। बहुत ही पिक्यूलर पैटर्न है, 760 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स हैं और ये मल्टीपल बॉटम बनने से पहले एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना जिसको हैमर बोलते हैं, हैमर के बाद में इतने बॉटम्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल खरीदारी होती। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें एक बार के लिए शॉर्ट ट्रैप हो सकते हैं, ऊपर में 803 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग का रुझान रखना चाहिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। HDIL अभी थोड़ी देर पहले नतीजे आए थे, मुनाफे की फिगर 19 करोड़ से बढ़कर 19.7 करोड़ हुई और आय में भी 99 करोड़ से बढ़कर सीधा 222 करोड़। HDIL का स्टॉक एक बार देखते हैं कि क्या प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मुनाफा इनलाइन ही है, 19 करोड़ से बढ़कर 19.7 करोड़ Y-on-Y बेसिस पे। स्टॉक में 2% की तेजी। कुणाल जी एक बार स्ट्रक्चर देख के बताएं, 23 रुपए के लेवल पे HDIL, जिनके पास भी शेयर्स हैं वो क्या करें? देखिए रजत, जिस तरह का स्ट्रक्चर है ये काउंटर बहुत पिट चुका है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, 20 रुपए से 30 रुपए की बड़ी रेंज है और मुझे लगता है कि देखिए कोई भी अवसर मिले इस काउंटर से निकल जाना चाहिए, किसी बेहतर शेयर में निवेश करें अगर आप निवेशक हैं ट्रेडिंग के लिए। तो वैसे भी देखिए इस काउंटर में कभी पैसा बनता नहीं है, तो मुझे लगता है ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, लेकिन जिनके पास निवेश है उछाल में निकलने की चेष्टा करें। कुछ और शेयर्स जहाँ पर आज के सत्र में इम्पैक्ट पड़ा है उसमें शक्ति शुगर, इस स्टॉक पे देखते हैं क्योंकि मुनाफे की घाटे की फिगर यहाँ पर आई है, इनफैक्ट घाटा जो वो घटा है 42 करोड़ से घटकर 19 करोड़ के आसपास आया है और आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 105 करोड़ आय पहुँचती हुई नजर आई। शक्ति शुगर 84 करोड़ यहाँ पर आई थी पिछले साल, तो यहाँ पर घाटे की फिगर जो है वो जस्ट कम होती हुई नजर आई। अच्छा, M&M ने आज एक नई XUV लॉन्च की है, XUV 300 और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में हायर लेवल पे मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, अच्छी खबर के बावजूद आज के सत्र में ऊपरी स्तरों पर स्लिप करता हुआ नजर आया 635 के ऊपर। एक बार विशेष जी फटाफट से बता दीजिए M&M क्या करना चाहिए? M&M मैंने शायद 2 दिन पहले शॉर्ट की सलाह दी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है 645 में, और सेम डे हमने UPL को लॉन्ग करने की सलाह दी थी। अब UPL का लॉन्ग का टारगेट हो गया है लेकिन M&M का शॉर्ट का टारगेट नहीं हुआ और आज पूरा का पूरा ऑटो पैक चल रहा है। और जब मैं डेटा चेक करता हूं तो M&M में आज 1% नेगेटिव है, 18% रिलेटिवली लोअर वॉल्यूम है और 5% OI बढ़ा है, तो मेरे हिसाब से यहां पे शॉर्ट बिल्टअप है सिस्टम में और कहीं ना कहीं स्टॉक्स में स्लो ग्रेजुअल नीचे का मूव आ रहा है, तो ऑटो में मेरे हिसाब से M&M को डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं, रिलेटिवली बेटर चॉइसेस अवेलेबल है। चलिए, लेकिन वक्त हो चला है कि स्ट्रैटेजी आपको बताया जाए निफ्टी और निफ्टी बैंक की। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की और साथ साथ निफ्टी की तो पहली वीकली एक्सपायरी है, लेकिन बाजार दबाव में है, तो अनिल जी अगर आपको तैयारी पूरी होगी तो एकदम तैयार है, बिल्कुल आप जैसा बोले उतने तैयार हैं। इंटरनेशनल क्यूज देखते हैं, स्क्वायर पोल देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो जो देखना है वो सब देखिए, इंटरनेशनल क्यूज फटाफट से देख लेते हैं। पहले तो US मार्केट्स, US फ्यूचर्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए US और चाइना के बीच में जो अब ट्रेड टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं, तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन डाउ फ्यूचर्स 1/4% के आसपास के गेंस हैं, इसके अलावा नैसडैक ये भी 0.5% के गेंस दिखा रहा है, 7046 का मौजूदा स्तर इस समय नैसडैक फ्यूचर्स पे देखने को मिल रहा है, तो तेजी है, सेटअप ठीक है यहाँ पर US मार्केट्स का। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी देखने को मिली और अभी भी 0.5% के आसपास के गेंस, रोज दोपहर को हम देखते हैं 0.5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स में, आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स इस समय पूरे ग्लोबल पीयर्स को देखें तो। और साथ ही साथ
क्रूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस समय कंसर्न यही कि क्रूड ने एकदम से रफ्तार पकड़ी और आज भी देखिए 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड अब $65 को दस्तक दे रहा है, एक अच्छी तनाव दे रहा है, ये एक कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। और साथ ही साथ अगर आप रुपए में देखें तो जैसे मैंने कहा कि 71 के लेवल के फिर से ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है और 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, तो कंसर्न है आज रुपए को लेकर। अच्छा, जो जी बिजनेस ने पोल किया एक्सपायरी के लेवल जो हम सुबह से दिखा रहे हैं दर्शकों को, सबसे पहले निफ्टी यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम नहीं, इनफैक्ट जो हम पोल करते हैं वो देश भर में ब्रोकर्स का पोल करते हैं, उन्होंने ये बताया था कि 10,750 से 10,800 ये रेंज रह सकती है कि जहां पर एक्सपायरी कटेगी। और आप ये देखिए कि इस समय निफ्टी इसी रेंज के बीचों बीच काम काज कर रहा है, 10,700 10,750 जाने की प्रोबेबिलिटी थी, 30% जानकार मान रहे थे, लेकिन कंसेंसस ये था कि 10,700 से 10,800 की रेंज नहीं टूटेगी, 75% ब्रोकर्स का ये कहना था। और साथ साथ निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी जो होगी उसमें 26,800 से 26,900 की रेंज निकल के आई थी, ये 40% जानकार मान रहे थे, लेकिन ये उसके ऊपर की जो रेंज है 26,900 से 27,000 जो 15% प्रेडिक्ट कर रहे थे, बाजार यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। पहले निफ्टी की देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बाहर के संकेत कोई बहुत अच्छे नहीं है, मिले जुले हैं। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर है तो सामने आपके रुपया और कच्चा तेल दोनों दबाव वाला मामला है, तो हमारे अपने फैक्टर तो जो हमें ग्लोबल मार्केट से लेने वो अच्छे वाले नहीं है। और दूसरा, एक दो तीन दिन से वैसे भी डाउ बढ़ रहे हैं तो पता नहीं, और तीसरे दिन बढ़े नहीं बढ़े भगवान जाने क्या हो। अब आइए खाली डेटा पर, एक्सपायरी ईयर आखिरी आधा घंटा बचा है, 35 मिनट। डेटा में क्या है, 10,750 बचे हुए समय के लिए सबसे अहमियत वाला लेवल यही है। क्यों है वो बता दूँ, वीकली ऑप्शंस में जा रहा हूँ, आज जो ऑप्शन एक्सपायर होने हैं रजत, उसमें 10,750 के पुट ऑप्शन में 22 लाख शेयर हैं खुले हुए, ठीक है। अगर आप आखिरी आधे घंटे में 10,750 के नीचे हैं तो क्या होगा, जो एवरेज क्लोजिंग आपकी आएगी निफ्टी की वो 10,750 के नीचे आएगी। तो जिन लोगों ने 10,750 के ये पुट ऑप्शन खरीद के रखे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने बेच रखा है उनके लिए मामला मुश्किल है, क्योंकि उनके पैसे लगेंगे। करेक्ट, तो 10,750 के आसपास या इसके ऊपर बने रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप एक्सपायरी सीधा 10,700 के बेहद करीब देखेंगे, 10,710 के आसपास 15 के आसपास यहाँ एक्सपायरी देख सकते हैं। 10,750 के ऊपर निकलते ही आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखेगी जो बाज़ार को ऊपर ले जा सकती है, लेकिन 10,800 आप पार नहीं कर पाएंगे। तो मेरी अभी जो कैलकुलेशन है वो ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 10,740 10,750 जहाँ पर आप अभी हैं आखिरी आधे घंटे में यहीं एक्सपायरी हो जाए, बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, 10,750 के आसपास की भी एक्सपायरी हो सकती है। और कई बार ये कि अब जो वीकली एक्सपायरी है पहला दिन है, आप स्ट्राइक प्राइस के पास ही एक्सपायरी कर दे तो ज़ीरो हो गया, जो प्रीमियम कमाने का जो मौका है सेलर्स की तरफ से, चाहे वो ऑप्शन वो चाहे कॉल सेलर हो या पुट सेलर हो, क्यों विश्वेश, तो ये दोनों ही ऑप्शन सेलर जो हैं ये कोशिश करेंगे कि 10,750 के आसपास एक्सपायरी हो। तो 10,750 की आप स्ट्रेटल देखिए, पुट चल रहा है और 9 रुपये और कॉल चल रहा है 5 रुपये, तो 9 और 5 आपके 14-15 रुपये, तो और उसमें फिर एसटीटी लग के, तो मार्केट ऐसा मान रहा है 20 पॉइंट इधर 20 पॉइंट मैक्सिमम, तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है, मैंने काफ़ी एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, दिक्कत तब होती है जब कोई हैवी वेट में बहुत चेंजेस होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक 20 रुपये से ऊपर आया है, वो खाली और खाली एक्सपायरी मेंटेन करने के, तो 20 लास्ट अगर 15 मिनट में अगर आप ऑल ऑफ अ सडन कहीं पे बल्क देखे तो मेरे हिसाब से वो एक्सपायरी मैनेजमेंट ही होगा। पर अभी तो ये सोच रहे हैं कि हम 10,750 के 20 पॉइंट नीचे नहीं, 10,750 के 20 पॉइंट ऊपर नहीं, ये भी एक रेंज जो है 40 पॉइंट्स की रेंज के बीचों बीच हो सकता है अगला कुछ समय यहाँ पर बाजार जो है। वीकली एक्सपायरी का पहला हफ्ता है, पहली बार वीकली तो मुझे लगता है बजाय ट्रेड करने के आज का सेशन आपके लिए ये ट्रेडिंग सेशन नहीं लर्निंग सेशन होना चाहिए, डेटा सीखने समझने, कम से कम मैं तो बजाय खरीदने या बेचने की एडवाइस देने के मैं तो ये प्रीफर करूँगा कि एक बार सीखें देखें आज किस तरह से होता है। मैंने प्योरली डेटा एनालिसिस किया है वीकली वाला, और वीकली वाला 22 लाख शेयर जो ओपन इंटरेस्ट में है 10,750 के पुट पे, ये समस्या वाली बात है। तो इसलिए 10,750 के नीचे हम टिके रहते हैं, तो मेरा ये मानना है फिर आप एक्सपायरी 10,710 के आसपास होते हुए देखेंगे, ये ज़्यादा संभावना है, बट अभी भी आधा घंटा है, यू नेवर नो। चलिए ठीक है, तो एक दायरे में आज ट्रेड ना करें, आज देखें खाली। ऑप्शन राइटर्स का दिन है, यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो गलते हुए नजर आ रहे हैं वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन, तो यहाँ पर ना ट्रेड करें, कोई डायरेक्शनल मूव मिलना इस समय मार्केट्स के लिए बहुत मुश्किल है। 10,750 मिलना मुश्किल नहीं है, ऑप्शन डेटा हो सकता है वैसे नहीं है,
आज हम डेटा पढ़ने में गलत होने के चांस हैं, अच्छा, या हमें पता नहीं वीकली डेटा पहली बार देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुंह नहीं आ सकता, मुंह तो साफ दिख रहा है कि 10,750 के नीचे आप 10,700 की तरफ सरक रहे हैं, जो हमने बात की उस समय एग्जैक्टली 10,750 पे था, आप देख लीजिए 20 पॉइंट तो सरक गया है, तो नीचे का रास्ता दिख रहा है। लेकिन पहला हफ्ता है वीकली ऑप्शन का, वो छोड़ देते हैं, आइए ना बैंक निफ्टी में है ना अपने पास पूरा अनुभव पुराना जमाना हो गया बैंक निफ्टी के डेटा एनालिसिस करते करते है, तो कोई दिख रहा है। और फॉर ए चेंज निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर ज्यादा मजबूत दिख रहा है, और उसमें कोई मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, सबको सामने दिख रहा है। 0.5% निफ्टी अगर मजबूत है और बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर है तो 0.5% की आउट परफॉर्मेंस कम नहीं होती। यस बैंक को आप अलग भी हटा दें, चलिए ठीक है मान लिया यस बैंक सहारा दे रहा 28% ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी मजबूत है, निचले स्तरों से काफ़ी स्टॉक्स रिकवर होते हुए दिखे हैं। मेरा ये समझना है कि बैंक निफ्टी 26,900 के नीचे शायद एक्सपायरी ना दे, अच्छा हाँ 26,900 के नीचे एक्सपायरी ना दे, तो 26,950 के आसपास आप एक खरीदारी का मौका ले सकते हैं। 26,900 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 27,000 से 27,050 की रेंज में जहां आपको ठीक लगे वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ट्रेड लेना है तो मैं निफ्टी आज इंतज़ार करना देखना चाहता हूं, बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंट हूं। 26,950 पे खरीदिए 50 से 100 पॉइंट की तेजी के लिए। 26,900 का लगाना है स्टॉप लॉस पे, 26,900 स्टॉप। ओके, बोलते बोलते थोड़ा और ऊपर आ गया, लेकिन 27,000 से 27,000 थोड़े बहुत लोग तो सुनते देखते हैं और कुछ कुछ उसमें फॉलो भी करते होंगे कुछ कुछ हाँ, तो 27,000 और 27,050 के लक्ष्य के लिए निफ्टी बैंक खरीदा जा सकता है। 26,900 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, ये सब स्पॉट के लेवल से जो आप दे रहे हैं, ऑलवेज स्पॉट लेवल। मतलब आप एक चीज समझ लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी कभी साल में एक आध बार ऐसा हो जाए कि फ्यूचर्स के लेवल दूँ, अदरवाइज मैं हमेशा स्पॉट के लेवल देता हूँ, क्योंकि मुझे वो क्लोजिंग वोजिंग बेसिस पर सब ट्रैक करना होता है। हाँ, स्टॉक्स में मोस्टली मैं फ्यूचर्स के देता हूँ, कभी कभार कैश लेवल देता हूँ, ये चीज़ बहुत क्लियर है। चलिए तो 27,000 से 27,050 के लिए क्लियर करें, लेकिन 26,900 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। इसके नीचे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इसमें निफ्टी बैंक की होती हुई नजर आएगी। यस बैंक के साथ जो निफ्टी बैंक पे टॉप गेनर्स की सूची में देख रहा हूँ, उसमें एक स्टॉक है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, जिसका स्ट्रक्चर एकदम से इंप्रूव होता हुआ नजर आया। विश्वेश जी एक बार ये देख के बताएं, 4% के आसपास तेज है ये स्टॉक। सी आई थिंक पीएनबी का रिलेटिव वीकनेस ज़्यादा रहेगा, लेकिन आज जो 2 बार रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे वो काफ़ी अच्छा है। आज के दिन में आउटसाइड बार है, मतलब कल के रेंज के नीचे ओपन हुआ और उसके बाद में ऊपर जा रहा है, और कहीं ना कहीं बुलिश एंगल्फिंग भी है। तो आज का लो मेरे हिसाब से सारे NBFCs सारे PSUs बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जब तक आज का लो नहीं टूटता है तब तक मेरे हिसाब से लार्जर पुलबैक की उम्मीद कर जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जब सबसे बेस्ट एंट्री होगी अगर 71 पे पंजाब नेशनल बैंक मिलता है, उस सूरत में शायद स्टॉक हेड एंड शोल्डर बना देगा, तो उस केस में फिर 76-78 तक की आप बाइंग देख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए। सरकारी बैंक्स की बात हो रही है तो सरकारी कंपनियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत 22 ETF आज के लिए खुला है, और इसको और एनालाइज कर रहे हैं दिवांशी, उसके बाद फिर हम स्टॉक्स जानेंगे सुमित के साथ। पहले दिवांशी आप बताएं, ये है क्या भारत जो ETF खुला है 22 ETF, इसकी बारीकियां बताएं और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, ये पहला ETF नहीं है, इनफैक्ट ये तीसरा ट्रांच है इस ETF का, और पहला जो ट्रांच हुआ था वो नवंबर में हुआ था, जहां पे सरकार ने थोड़ी सी जो हिस्सेदारी थी वो अपनी बेची, और यहां पे एक ETF बना दिया है, एक सरकारी कंपनी का एक ETF बना है, जहां पे मेनली जो कंपनीज हैं यहां पे वो ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं, थोड़ी सी बैंक्स हैं, और इसके अलावा यहां पे जो ये ट्रांच में है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तीन कंपनी है, एक्सिस बैंक, ITC और साथ ही L&T, तो ये तीन कंपनी है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो सरकार है वो 3,500 करोड़ तक यहाँ पे जुटा पाएगी, और इससे पहले सरकार ने ऑलरेडी 22,900 करोड़ जुटा लिए हैं। अब ये क्लियरली डाइवेस्टमेंट के प्रोसेस में जाता है, और ये तीसरा ट्रांस है जहाँ पे 3,500 करोड़ अब सरकार जुटाएगी। आज शाम तक आपके पास समय है जहाँ पे आप ये ETF में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे कुल सरकारी कंपनीज हैं, मैं आपको बता दूँ 22 कंपनीज हैं, जिसमें ONGC, IOC, BPCL, कोल इंडिया, नालको जैसी कंपनीज हैं, और इसके अलावा BEL, NBCC, NTPC, SGVN और पावर ग्रिड NLC इंडिया जैसी कंपनीज हैं जिसका समावेश है। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो यहाँ पे इसी तीन कंपनीज को दिया हुआ है, एक्सिस बैंक, L&T और साथ ही ITC, ये तीन कंपनीज पर सबसे ज़्यादा वेटेज है। लेकिन अभी तक के आप अगर रिटर्न्स देखें तो 8.5% तक का जो लॉस है, गिरावट है, वो इस ETF ने ऑलरेडी बता दी है।
मतलब अच्छा पहले वाले जो ETF है वो 8.5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं जी। अच्छा इसमें कोई डिस्काउंट तो नहीं है रिटेल है? कितना मैं भूल रही तो हाँ। जो सरकारी बैंक्स है जो सरकारी बैंक हम तो हिंदुस्तानी है हमारा इंटरेस्ट डिस्काउंट में होता है चीज भली थोड़ी घटिया मिल जाए चलेगा नहीं हाँ। जो सरकारी कंपनीज है उसमें 5% तक का डिस्काउंट यहाँ पे तो मतलब 22 है ना 22 में से 19 तो सरकारी है जी 3 प्राइवेट है प्राइवेट में तो कोई डिस्काउंट नहीं है प्राइवेट में कोई डिस्काउंट तो जो 19 सरकारी कंपनियां वो क्या कितने डिस्काउंट पे सारी 5% सब 5% डिस्काउंट सरकार ने बेची है अच्छा स्टैंडर्ड 5% डिस्काउंट पर सरकार ने बेची है अच्छा अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल पूछूं ये आइडिया कि इस ETF में कितना परसेंटेज इन तीनों प्राइवेट कंपनियों का होगा 45% 3 का जो वेटेज है वो तीनों का है जो 45% कंपनी और 55% सरकारी कंपनी 55% तो इफेक्टिवली मुझे 2.5% डिस्काउंट पे मिल रहा है ये है ना कैलकुलेशन यही हुई ना इसीलिए बाजार में अगर आप भाव देखेंगे तो बाकी सरकारी कंपनियां 2.5% डिस्काउंट पे मिल रही हैं प्राइवेट कंपनी में कोई इंपैक्ट पहले बताना चाह रहे थे आपने पहले बता दिया इसमें कोई मैं इसीलिए आके बैठा था कि मैं आपको ये बताऊंगा लेकिन आप पहले ही अच्छा नहीं बता बताओ लेकिन एक चीज एक तो मारवाड़ी और ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट ये करेला और नीम चढ़ा वाला कॉम्बिनेशन है देखिए ये कॉन्सेप्ट निकाला है आपने FFO देखा था NFO देखा था ये AFO लिया है ये एग्जिस्टिंग फंड के साथ ही एडिशनल फंड ऑफर है यानी कि जो फंड चल रहा है उसमें नया बेसिकली कोई स्टॉक्स में बदलाव है ही नहीं सेम स्टॉक्स अब 52% की गवर्नमेंट की कैपिंग है गवर्नमेंट तब तक स्टेक बेच सकती है किसी भी ETF में जब तक किसी होल्डिंग कैप 52% पे ना आ जाए तो अब ये सरकारी कंपनी में जिन जिन की होल्डिंग 52 से ऊपर है वहां पे गवर्नमेंट स्टेक बेच रही है और स्टेक बेचने के बाद क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का मेजर पार्टिसिपेशन इस बार आ रहा है सूटी की वजह से इसलिए जो भी सरकारी कंपनियां बची हैं उनके डिस्काउंट को मार्केट अब एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंगली यानी कि अगर कोल इंडिया डिस्काउंट पर मिल रहा है NTPC डिस्काउंट मिल रहा है नालको मिल रहा है तो बाजार उसको एडजस्ट करके उसी भाव पर ला रहा है जिस भाव पर सरकार उसे बेच रही है इसलिए आश्चर्य वो जो सरकारी कंपनी है उनमें दबाव देखने को मिल रहा है और जितनी मार्केट नहीं गिरी है उतना तो यहाँ पे नुकसान ETF को तो दिखा है तो ये पैसिवली मैनेज फंड ही है एक तरीके से ये उस टाइम अच्छा है जब बाजार में गिरावट आ रही हो गिरावट हो अच्छा ये आपने वो शो किया था अपना टाइम आएगा गली वो वाला मुझसे तो मत ही पूछिए क्यों आपको ये बेचारे उसमें एक ऐसी शेयर बता गए जो दिक्कत में आ गया कौन सा था CG Power इसीलिए तो खुश होने की बात कर रहा हूँ रजत हमेशा दुखी कर रहा है आज 20% चढ़ गया वो स्टॉक 25% ऊपर है मैं यही तो बोल रहा हूँ इसका टाइम बस ये है कि दो दिन लेट आया है नहीं पर एक बार तो उसने झटका दे दिया ठीक है ना आया तो सही ना आज देखिए 30% ऊपर है देखिए दोनों तरफ जिन्होंने बंसल जी को सुना उन्होंने भी पैसे बनाए और जिन्होंने आपको सुना होगा कि इनका टाइम आएगा कभी न कभी नीचे से तो उनके भी पैसे बने देखो आज क्या भागा है 25% ऊपर टाइम आने में एक दिन लेट हो गया आशीष जी को पूछते हैं हमारे साथ हैं ब्लू ओशन से हाँ आशीष जी तो हैं ही आशु जी भी आ रहे हैं हाँ विश्वेश जी एकदम अलर्ट होके बैठ गए विश्वेश जी अलर्ट हो गए उधर कुणाल जी राकेश जी के चेहरे पे एकदम अलर्टनेस वाले संकेत आ रहे हैं सारे लॉन्ग के भाव दिख लेता हूँ नीचे से कितना ऊपर आए हैं अभी वो बुलाएंगे 2 रुपए नीचे आया कटो चलो तो दिखना पड़ता है चलो सब लोग अलर्ट हो जाइए आशीष जी फोन लाइन पे आ रहे हैं शुभम जी तैयार लेकिन उससे पहले आशीष माहेश्वरी CG पावर सर खरीदना है या बेचना है इसे जी अनिल जी इनफैक्ट पूरे साल का सबसे बड़े वेल डिस्ट्रॉयर स्टॉक्स में से CG पावर रहा है राइट यदि 52 वीक आई देखे तो 90-92 रुपए का था और अभी स्टॉक ने कल अपना 52 वीक लो टच किया है तो मेरा मानना है कि लास्ट क्वार्टर में भी जो उनके नतीजे थे तब उन्होंने 25 करोड़ का लॉस दिया था इस क्वार्टर में भी 150 करोड़ का लॉस है राइट ऑफ है प्रोविजनिंग काफ़ी की हुई है तो मेरा मानना है काफ़ी सारे इशूज़ हैं इस कंपनी के साथ में कल के सेल ऑफ के बाद में आज थोड़ा टेक्निकली हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है थोड़ा लोग बॉटम फिशिंग भी करते हैं और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी आज कल जितने भी स्टॉक गिरे थे मेजर उन सभी में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रहा है तो थोड़ा उसी का बाउंस बैक है बट मेरा मानना है जहाँ जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इशूज़ हैं या लॉसेज इतने सारे हैं तो कोई रीज़न नहीं है निवेशकों को इस स्टॉक की तरफ देखने का तो मेरी तो इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी तो ये है आपके लिए राय CG पावर पर फिलहाल अवॉइड करें इंतजार देखना और अब फिर से शुभम जी का BTSTT कॉल आ रहा है शुभम भाई अरे बिल्कुल बिल्कुल बजाइए शुभम जी बोलिए जल्दी से बिल्कुल बजा के चलते बताइए सर अनिल जी बिकवाली की सलाह है और स्टॉक है आयशर मोटर इसमें थोड़े दिन पहले मैंने 21,000 के लेवल पे भी एक बार सेल इनिशिएट किया था और उस दिन हमने बात किया था कि
यहाँ से हो सकता है और 4-5 हजार रुपये अगर और करेक्ट हो जाता है तो बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। यहाँ पे अगर डेटा वाइज देखें तो थोड़े दिन पहले एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, कल का आप मूव देखें तो परसों के पूरे मूव को रिट्रेस कर चुका है, और जनरली इस टाइप का जब फॉर्मेशन होता है तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि सेलर्स कंट्रोल में है और यहाँ पे बिकवाली बढ़ते हुए दिखेगी। 2-3 दिन का लो के नीचे अब जाकर के ब्रीच हुआ है तो मुझे लगता है अब यहाँ पे मोमेंटम बनेगा गिरावट के लिए, तो 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए। 20,600 का स्टॉप लॉस रखे और डाउन साइड में 19,000 से 18,900 तक का भाव, मैक्सिमम 2 दिन तक का मेरा ये व्यू पॉइंट होगा, बट ये यहाँ पे ट्रेड आइशर मोटर पे शॉर्ट का इनिशिएट करना चाहिए, ये सलाह होगी। वाह 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 शुभम जी, आपका किन शब्दों में मैं धन्यवाद दूं वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि रिजल्ट के बाद मैंने बहुत बोल्ड शॉर्ट कॉल इस पे दिया था, मैंने कहा ये 1,000 से 2,000 रुपये गिरेगा और अब वो पहुँच रहा है उस तरफ, तो अब आपका शॉर्ट कॉल आने के बाद वैसे तो कल से संकेत दे दिए थे इसने मुझे कमज़ोर होना है, लेकिन आज थोड़ी ताकत दिखाई। मज़े की बात ये कि आज जब बाकी शेयर मजबूत हो रहे हैं ये कमज़ोर होने की तरफ बढ़ रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, ये है वो स्टॉक जो आपको शॉर्ट करना है, शुभम जी की राय आइशर मोटर्स में बिकवाली की बीटीएसटी के तौर पर। और अब आइए देखते हैं वैलेंटाइन का ऑप्शन। ओह आशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैलेंटाइन का ऑप्शन, उससे पहले कावेरी सीड्स वायदा कारोबार की कंपनी, इसके रिजल्ट आ गए ये बताना जरूरी है आपके लिए। कावेरी सीड्स के रिजल्ट आ रहे हैं, गैब्रियल के भी आ रहे हैं, पहले कावेरी के बता दूं, कावेरी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायदा कारोबार का शेयर है। 5.5 करोड़ से 3.5, अरे ये 5 ही करोड़ कमाती है साल में। वो गैब्रियल जो नीचे आ रहा है वो 20 करोड़ कमा रहा है, तो ये देखो गैब्रियल में 22 करोड़ का मुनाफा है, इसमें 3.5 करोड़ का, फिर ये वायदा कारोबार में क्यों है? तो सही 5.5 करोड़ 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ मुनाफा घट गया कावेरी सीड्स का, अरे कमाल है। तो अच्छा ओके, और आंकड़े बताइए जल्दी से कावेरी सीड्स के। कुणाल जी तैयार है चार्ट्स आपके कावेरी सीड्स? यार अनिल जी ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है, 500 रुपए के नीचे फ्यूचर्स में ब्रेकडाउन आया है और मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहां पर आपको 488 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो पहला टारगेट 488 रुपए का 488 का होगा और 488 के नीचे 485 के लेवल्स भी आ सकते हैं। कमजोर स्ट्रक्चर है, लगातार बाजार को आउट अंडर परफॉर्म कर रहा है और 500 रुपए से देखिए सीधा नीचे जा रहा है, 488 इसके लिए पहला पड़ाव। देखिए अनिल जी स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना होगा, स्टॉप लॉस 500 रुपए पर रखें और 488 का टारगेट होगा। जैसे जैसे नीचे आएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और जैसे ही ये 490 पार कर जाएगा 495 पे स्टॉप लॉस रखें। 490 के नीचे 495, 490 पर एग्जैक्टली आ गया है कुणाल जी, एग्जैक्टली वहीं पर ट्रेड कर रहा है। अभी कर लें या थोड़ी देर वेट करें 495 का स्टॉप लॉस रखने के पहले? अरे जी 495 पे अब स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कर लेना चाहिए ना, बेस्ट है। चलिए ठीक है, इनकी अदर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 1.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 11 करोड़ के आसपास, 10.5 करोड़ की अदर इनकम, हाँ फिर भी यही हाल है, मुनाफा तब भी घट गया और ऊपर से आय जो वो भी 5% घट के आई है, लगभग 67 करोड़ आय होती हुई नजर आई इनके। तो ये तो मामला रिजल्ट का, अरे कुणाल जी यार एक तो आजकल आप है ना बहुत छोटे छोटे लेवल देते हुए, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, 485 ये तो आ गया है, 483 और आगे का बताओ अनिल जी। देखिए जो ब्रेकडाउन आया है 485 जिन्होंने अभी अभी शॉर्ट किया है मुझे लगता है एक बार मुनाफा बांधना चाहिए। हालांकि देखिए सपोर्ट इसमें अब 480 का भी है, लेकिन इन स्तरों पर 482 के आसपास मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। एग्जैक्टली 481 का लो बनाया है, 481.10 पर। अच्छा आप जरा 2 मिनट जरा चार्ट पे नजर रखिएगा, आशु जी क्या कहते हैं उस पर ज़्यादा गौर मत करिएगा, आप कावेरी सीड्स के चार्ट ही देखते रहिएगा क्योंकि आशु जी जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा कहेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो एक बार वैसे आशीष जी वापस आए, बिगुल तो वापस से बनता है वैलेंटाइन के ऑप्शन का। आशीष सर बताइए कौन सा ऑप्शन चुना है आपने कुणाल जी के अलावा? आशीष सर आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम कुछ ही देर में उनके साथ, मैं बार बार कुणाल जी को बोलता हूँ, कुणाल जी मानते हैं। एक विश्वेश जी अभी राय आप दीजिए, ये तो 480 भी तोड़ चुका है, 477-78 पर आ गया कावेरी। ये विजय कुमार जी, विजय कुमार जी उनके CFO थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अच्छा उन्होंने रिजाइन कर दिया, अच्छा अच्छा ये भी खबर है इस वजह से, चलिए तो ये एक और बड़ी खबर है। चलिए यहाँ यहाँ हाँ आशु जी ये बताइए कि हाँ कौन सा ऑप्शन चुना है आपने वैलेंटाइन का?
अरे क्या हो गया आशीष जी, तो आवाज ही नहीं पहुंची। हेलो आवाज नहीं आ रही है ना, ठीक है बताओ कावेरी सीट देना चाहते हो? यू नेवर नो, ठीक है कोई बात नहीं, संपर्क तो होगा ही, नहीं होगा तो कहा जाएगा। लेकिन आज की स्क्रीन देखकर आशीष जी आपसे राय लेना चाहता हूँ, ये सीजी पावर पे मैंने आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी शेयर ऐसे बढ़ रहे हैं ना जिनको देख के खुशी होने के बजाय डर ज़्यादा लगता है, मसलन DHEFL 17%, PC ज्वेलर्स 10%, जैन इरीगेशन 9%, इन्फीबीम 8%, रिलायंस कैपिटल 8%। तो मतलब जिनको आमतौर पर कमज़ोर क्वालिटी के शेयर आप मानते हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए या डर बढ़ना चाहिए? जी मेरा मानना है कि अनिल जी इसको अभी थोड़ा सा रीड करना थोड़ा प्रीमैच्योर होगा, बट ये जो भी स्टॉक आप देखें ये सब कल के टॉप लूजर्स थे, वो आज के टॉप गेनर्स हो गए, और जो कल के टॉप गेनर्स थे वो इनफैक्ट आज के टॉप लूजर्स हो गए। तो मेरा मानना है जो चर्निंग है वो काफ़ी फास्ट हो रही है, और कल काफ़ी लोगों ने जो इसमें शॉर्ट किया था आज उनकी शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, बट ये वो वाले स्टॉक हैं जिसमें अभी भी कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाइंग नहीं करेगा, ना कोई DHFL में बाइंग करना चाहेगा, ना जेनरिकेशन में इस नंबर्स वगैरह के बाद में और प्लेज रिलेटेड इश्यूज़ के बाद में कोई अग्रेसिवली बाइंग करना चाहेगा। तो ये मेरा मानना थोड़ा ट्रेडर ड्रिवन रैली है, इसको बहुत ज़्यादा रीड नहीं किया जा सकता, और मेरा मानना है सस्टेनेबल नहीं है। कुणाल जी आपसे शिकायत है मेरी आज, ये मतलब है ना कावेरी सीट 466 का लो लगा दिया, कितने सही वक्त पर स्टॉक पकड़ में आया था कि ये तो 492 चल रहा था, 490-92 उस वक्त अगर आपने पूछा, बाद में फिर आशु जी का 492 वाला 20-22 रुपए नीचे, 444 का नेक्स्ट सपोर्ट है सर। कितना? 444, और वो इतना मेजर सपोर्ट है कि मतलब ये तो लग ही रहा था कि जिस तरह से रिजल्ट आया 8%। कुणाल जी क्या हो गया इसको? अनिल जी 460 का सपोर्ट है, सारे लेवल टूट गए हैं, और 480 का मैं एक सपोर्ट देख रहा था वो भी नहीं टिक पाया, तो अब 460 रुपए पर मेजर सपोर्ट है। तो अगर मान लीजिए किसी ने शॉर्ट पोजीशन होल्ड की हुई है, 460 का अंतिम स्टॉप लॉस है, सपोर्ट लेवल है, वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसमें एकदम वो दमदार शॉर्ट कॉल क्यों नहीं आया, बड़ा तगड़ा वाला एकदम फर्स्ट क्लास वाला? अरे जी देखिए बिल्कुल सामने से गिरा हमने, तब बहुत सही समय पर 500 रुपए के आसपास बहुत दमदार सेल कॉल दिया था, लेकिन देखिए ये 480 के भी नीचे निकल जाएगा इसकी मुझे उस समय उम्मीद नहीं थी, और ये खबर भी जो रजत बता रहे हैं शायद उसी की वजह से गिरा है। मार्जिन आए खाली तक मुझे मार्जिन 0.2% है ना, डबल डिजिट में मार्जिन होते थे, वो मार्जिन रह गए 0.2% मार्जिन, मतलब ये वैसा ही हाल है, भाव जब खराब होता है तो रिजल्ट खराब आते हैं, कुछ कुछ कमियां ऐसी जब भाव ऊपर होता है। BTS से ले सकते हैं? हाँ BTS से बिल्कुल लेते हैं, लेकिन आशीष जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी बिल्कुल अनिल जी आ रही है। अरे, अरे ये यहाँ पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि मार्केट में तेजी आ गई तो आशीष जी फोन पे बात ही नहीं कर रहे हैं, बार बार कॉल ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना कुछ? नहीं कर रहे हैं आप, मुझे टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे फोन कनेक्ट ही नहीं किया किसी ने। चलिए बताइए सर आपका वैलेंटाइन ऑप्शन। अनिल जी जो स्टॉक सुबह बेचा था इंट्राडे के लिए वही हमने 214-15 पे वापस लिया है, 210 के ऊपर की क्लोजिंग होते होते यस बैंक लेना है सर, काफी सेलिंग इसकी अब्सॉर्ब हो चुकी है। जो आवाज आ रही है इससे पहले वाली आवाज बोल रहे थे कावेरी सीट 215 पे, क्योंकि आपसे कनेक्ट नहीं था, आप शो पे नहीं थे, यस बैंक की 200 रुपए की इन द मनी कॉल लेनी है, और इसके लिए सर 235 या 240 की सिर्फ एक बेचनी है कॉस्ट कम करने के लिए, लेने को हम फ्यूचर भी ले सकते हैं, लेकिन अनिल जी ऑप्शन के थ्रू लेना बेटर है, कॉस्ट भी कम होती है और इन द मनी एज गुड एज फ्यूचर है, तो यस बैंक ही वापस लेना। एक मिनट आशु जी, एक मिनट लाइन पे रहिए आशु जी, एक मिनट लाइन पे रहिए। अशोक लेलैंड का मुनाफा आपके सामने फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, नंबर दमदार दिख रहे हैं, 381 करोड़ 381, अब देखना पड़ेगा किस वजह से 381, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम गिरेंगे इनके, 6% आसपास वॉल्यूम गिरने चाहिए, नतीजे स्ट्रॉन्ग नहीं आने चाहिए थे, लेकिन टका ऊपर स्टॉक माय गॉड। कुराल जी चार्ज तैयार करिए जल्दी से, लेकिन पहली नजर में जो मुनाफे का आंकड़ा अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो माय गॉड बहुत ही तगड़ा, अगर एडजस्टमेंट है फिर तो भगवान जाने। 6330 करोड़ की जो आई है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6378 करोड़ आएगी, आय हमारे अनुमान से कम है, मुनाफा हमारे अनुमान से बहुत ऊपर। ओके चार्ज कुराल जी। अरे जी देखिए
ब्रेकआउट आया है 83 रुपए के ऊपर, 83 पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस थी वो पार हो गई है, 84 रुपए 55 पैसे अभी फ्यूचर्स में चल रहा है, मुझे लगता है कि 86 रुपए 50 पैसे तक जा सकता है, तो 83 हाफ पर एक रुपया नीचे एक स्टॉप लॉस रखा जाए, ऊपर मुझे लगता है 86.50 तक के लेवल्स आपको शोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, मेरी राय में बाय करना चाहिए। 650 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आ गया अशोक लेलैंड में, 650 करोड़ में इसलिए एम्फसाइज करके बोल रहा हूँ कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 567 करोड़ आएगा, 650 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है, मार्जिन लगभग 10.3% है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 8.9% के आसपास मार्जिन आएंगे, तो ऑपरेशनल फ्रंट पे बेहतर सरप्राइज कर, शानदार परफॉर्मेंस है। चलिए तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड। हाँ लेकिन एक मिनट, आशीष सर के पास फिर से चलते हैं, 210 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है इन द मनी वाला यस बैंक का, या फिर 220 के आसपास फ्यूचर भी खरीद सकते हैं, और सामने 230 या 240 कौन सा कॉल ऑप्शन बेचना है आशु जी? 240 का, 235 या 40 अनिल जी, इसमें अच्छी तेजी बन जाएगी और ये बिल्कुल ब्रेकआउट हो गया है, इसमें सारी सेलिंग जो जितनी पुरानी थी मुझे लगता है कि काफी हद तक बहुत लोगों ने सेल कर दिया, अब्सॉर्ब कर लिया है, क्योंकि जब ये वापस 210 के ऊपर चलना शुरू हुआ तो मुझे सिग्नल मिल गया था कि इसमें सेलिंग अब्सॉर्ब हो गया और अब इसको लेना ही है। अनिल जी आपके 240 भी क्रॉस कर सकता है, एक सिंस आपसे बात हो रही है तो ये विश्वेश कुछ जवानी की बातें कर रहा था तो उसी में एक शेर बोल देता हूँ, ये कहावत है, ये कहावत है कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो घास नहीं खाता। मतलब इसमें बूढ़ा कौन है, शेर तो आप दोनों हैं ये मैं समझ रहा हूँ, बूढ़ा कौन है? बिल्कुल देखिए आप सब लोग शेर है, इसे तो कोई डाउट ही नहीं है, और शेर कभी बूढ़ा होता नहीं। यस बैंक को मिस नहीं करना है, ये बहुत ऊपर निकल जाएगा आपके। बिल्कुल यस बैंक मिस कैसे होगा, आपके बोलते बोलते 5 रुपए तो बढ़ चुका है, 219 वाला 224 तो फ्यूचर हो चुका है, ये वही और खरीद रहे हैं जो उनके सलाह पे सुबह बेच रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे शॉर्ट काटने की भी राय दी थी, विश्व जी गलत नहीं ये बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ रिटेल की बात हो रही है, नहीं नहीं उन्होंने क्लियर कट, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, देखो जिन लोगों को ट्रेड करना है उनको 100% एनालिस्ट को भी फॉलो करना है और चैनल को भी फॉलो करना है, आपको जो पसंद आए उस एनालिस्ट को फॉलो कीजिए, जो पसंद आए वो चैनल को फॉलो कीजिए, 100% कीजिए, ये ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी आए तब मैं देखूं चला जाऊं, मेरी मर्जी आए तो आज विश्वेश जी को सुनूं कल कुणाल जी को सुनूं परसों आशु जी को सुनूं, वैसा नहीं होता, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो आपके लिए फिर मिसमैच वाला मामला। आशु जी ने सुबह एकदम सही वक्त पे बोला भी कि जिन लोगों ने सुबह सुबह बेचा है शॉर्ट काट ले, और हाँ ये जरूरी, वो 210 के पार ही देना चाहते थे, थोड़ा लेट हो गया 218-19 पर दिया, आपकी राय तो एकदम 100% अनिल जी। जी जी अनिल जी, राकेश बंसल ट्विटर के बहुत ही प्रोफाउंड यूजर है, तो वो आपको कंफर्म कर देंगे कि कितने बजे ये मैंने 212 के भाव पे ट्वीट डाल दिया था कि 210 के ऊपर अब शॉर्ट नहीं करना, और उसके 10 मिनट बाद ही फिर स्ट्रैटेजी भी दे दी थी जब 214 रुपए का भाव था 213 का। तो राकेश बंसल एंड कुणाल सरोगिया वेरी प्रोफाउंड यूजर्स ऑफ ट्विटर, दे कैन टेल द टाइम। तो जस्ट टू क्लैरिफाई विश्वेश कि मैं 220 पे तेजी पे नहीं आया हूँ, 210 के बाद जब ऊपर आ गया था तेजी में आ चुके थे, और शॉर्ट काटने की बात तो आपने शो के दौरान काफी तारीफ, एक चीज है आशु सर, लेकिन उसके साथ साथ विश्वेश जी आपकी भी तारीफ बराबर है, भले आशु जी हैवी वेट हैं सब है मंदी में, लेकिन आपने भी बाजार के खराब मूड के सामने सुबह सुबह दम लगा कर खरीदारी की राय दी, वो क्रेडिट तो आपसे कोई ले नहीं सकता। आशु जी ये तो कहेंगे ना इन्होंने 10 रुपए पहले ही खरीद लिया था, नहीं 100% सर, विश्वेश के मेरे को विश्वेश से कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया कॉल थी, बहुत गोल्ड कॉल थी, अच्छी कॉल थी, लेकिन हमने वो पहला मूव वो खाना था सर जो एक मंदी लगती थी वो 10 रुपए की। नहीं नहीं वो बिल्कुल सही है, और इस बीच एक मिनट कुणाल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, पहले कुणाल जी के पास। अनिल जी देखिए कई सारी चीजें मुझे बोलनी हैं, सबसे पहले तो देखिए एक शेयर मुझे मिला है हाँ। तो वो पहले शेयर मैं आपको पढ़ देता हूँ, ये आशु जी के लिए है और विश्वेश जी के बीच में जो द्वंद चल रहा है उसको देखते हुए। देखिए अजीब लुफ्त है, अजीब लुफ्त हाँ। लुत्फ कुछ आपस की छेड़छाड़ लुत्फ वापस बोलिए जरा लुत्फ ठीक है हाँ वही अजीब लुत्फ तो आंसर तो वो एयरलाइंस थी ठीक कह रहे हैं जी अजीब लुत्फ कुछ आपस की छेड़छाड़ में है कहां मिलाप में वो बात है जो बिगाड़ में क्या बात है मैं बोलना चाहता हूँ हाँ विश्वेश जी भी बोलेगी अच्छा अनिल जी एक मिनट बीटीएसटी कॉल है और दूसरा हाँ बताइए अनिल जी अशोक लेलैंड जो है जिसकी बात हमने की थी उसने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए हैं जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे बड़ा शॉर्ट कवरिंग आई है अब मेरा एक बीटीएसटी कॉल है अगर आप बिगुल में जाते बीटीएसटी कॉल आपका तुरंत बिगुल के साथ में आ रहा हूँ आपके पास में एक मिनट आशु जी पहले आपको और कोई कॉल तो नहीं देनी एक ही है ना नहीं अनिल जी बस यस बैंक में ही देनी थी मेनली कि इसमें अच्छा ब्रेकआउट हो गया
2024 में बिल्कुल तेजी की तरफ रहना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। अब बिगुल, और बिगुल के बाद चलते हैं कुणाल जी के पास। जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी, खरीदना है जुबिलेंट फूडवर्क्स, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 3 दिन की मंदी आज समाप्त हुई है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट चार्ट्स पर दिया है और मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स में आपको एक पुलबैक एक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें 1365 तक के लेवल्स आपको एक या दो दिन में आते हुए दिखेंगे। तो मौजूदा स्तरों में जुबिलेंट फूडवर्क्स को बाय करना है। 1300 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1340 रुपये का और दूसरा 1355 रुपये का है। सभी लेवल्स फ्यूचर्स के हैं, इन स्तरों पर बाय करें जुबिलेंट फूडवर्क्स। 1300 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, 1340 पहला टारगेट, उसके बाद 1355 ये दूसरा टारगेट है जुबिलेंट फूडवर्क्स, जहां पर तेजी अभी और बढ़ सकती है और वैसे भी दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। राकेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ रजत की ना, देखिए आशु जी इतनी मंदी की बातें कर रहे हैं तो आशु जी के लिए, देखिए वैलेंटाइन डे जो होता है ना, सिर्फ बेयर्स के लिए नहीं है, इट्स ऑल्सो फॉर बुल्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हु लव ईच अदर मोर देन बियर्स। तो ओवर टू विश्वेश जी, अगर वो कुछ मंदेड़ियों पे कुछ टिप्पणी करना चाहते हो तो। नहीं नहीं, ठीक बात है। चलिए इस बीच MMTC बड़ी खबर आ गई है। PFC 20 REC की जो हिस्सेदारी बिकनी है वो 20% प्रीमियम पर बिकेगी। ओके, इंटरेस्टिंग। जरा एक बार पूरी खबर पढ़ लें और समझ लें कि एग्जैक्टली खबर क्या आती दिख रही है। PFC को और REC को लेकर PFC 20% प्रीमियम देगी हिस्सा बिक्री के लिए। इसका मतलब ये कि REC की जो स्टेक बिकेगी बिकेगी और PFC जो स्टेक खरीदेगी वो 20% प्रीमियम पर खरीदी जाएगी, यही मतलब हुआ। मतलब एक बार फटाफट चार्ट देखें कुणाल जी, REC और PFC दोनों के चार्ट बताएं। REC पहले। अनिल जी देखिए, REC की अगर आप बात करें पहले, तो मुझे लगता है कि देखिए REC में एक ब्रेकआउट अभी कुछ मिनटों पहले आते हुए दिखा है। 123 रुपये पर इंट्राडे रेजिस्टेंस है, 123 इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस भी है। तो 123 के ऊपर निकलेगा तो फिर इसमें कुछ मोमेंटम बनेगा, 126-28 के लेवल आते हुए दिखेंगे। 123 के ऊपर मेरी खरीदारी की रहेगी REC में। रहा सवाल PFC का, तो इसका चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है और PFC में भी एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। यहाँ पर 104 रुपये का कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल है, जब तक 104 पार ना हो तो इसको भी खरीदे ना, तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, वेट एंड वॉच। लेकिन 23 और 104, लेकिन REC के लिए ये नेगेटिव हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन PFC के लिए नेगेटिव, क्योंकि PFC को 20% प्रीमियम पर खरीदना होगा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि PFC के पास जितने पैसे वो तो सारे सरकार ले लेगी और स्टेक देगी कम। इस बीच UBL आपके सामने रिजल्ट आते दिख रहे हैं, 47 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 109 करोड़, मुनाफे का आंकड़ा 109 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। बाकी डेटा भी मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले मुनाफे का आंकड़ा आपके सामने 109 करोड़ का। कुणाल जी चार्ट्स को तैयार कीजिए और उसके बाद मैं PFC पर वापस आऊँगा। मेरे ख्याल से PFC इस पर एक शॉट बनता है फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकली गिरेगा नहीं गिरेगा वो अलग बात है। पहले तो आप यूनाइटेड ब्रूवरीज की फटाफट लेवल दे दें। देखिए 1412 रुपए पर रेजिस्टेंस है अनिल जी, जब तक ये पार नहीं होगी नई खरीद नहीं करनी है। नीचे 1395 के नीचे शॉर्ट करें, 1400 का भाव है तो 1395 के नीचे UBL शॉर्ट कर सकते हैं और 1412 के ऊपर इसमें तेजी कर सकते हैं। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, 1412 पार होने की संभावना है, जैसे ही वो लेवल पार होगा बाय कर सकते हैं। ओके, 1412 के ऊपर ही खरीदें, उसके नीचे ना खरीदें, फिलहाल इंतजार करें। लेकिन हाँ आशीष जी, PFC और REC की जो हम बात कर रहे थे, PFC के लिए खराब खबर है कि अगर उन्हें 20% प्रीमियम देनी है REC की स्टेक खरीदने के लिए? जी बिल्कुल अनिल जी, किसी भी कंपनी के लिए खराब खबर होगी कि अननेसेसरी उनको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बट मेरा मानना है कि PFC REC में बहुत सारे मिक्स एंड मैचेस चल रहे हैं कि ये डील किसी भी तरह से पूरी हो जाए। और जैसा अभी हमने लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के आने के बाद भी देखा था कि उन्होंने अपने करीब 14,000 करोड़ रुपए की अपना वॉचेस भी बना लिया इस एक्विजिशन के लिए। तो PFC के लिए तो इनफैक्ट थोड़ा नेगेटिव है। बट अभी जो लास्ट क्वार्टर के Q3 के नंबर्स आए जिसमें 2,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा उनका आया था, तो वो मेरा मानना है इस स्टॉक को कुशन प्रोवाइड करेगा। तो इसको जल्दीबाजी में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यूनाइटेड ब्रूवरीज के भी जो नतीजे आए उस पर 153 करोड़ से बढ़कर एबिटा की फिगर 248 करोड़ है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है और इनकी 16% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, 13% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ में काफी कुछ योगदान डिम्पी जी और राकेश जी की कमेंट्री का भी है, विश्व जी कमेंट्री का है, सीमी जी भी लगातार रिकमेंड करती है। किसको? यूनाइटेड ब्रूवरीज। तो पार तो होने दो, वो 1412 क्या बोल रहे थे कुणाल? मैं तो कब से आपको बीटीएसटी पूछा था। एक मिनट, फ्यूचर बताओ। 1419 हो गया, 19
अरे फिर तो 1400 के 12 के ऊपर बताइए जल्दी से, बिगुल बजानी है वैसे करना है, फास्ट फास्ट करते हैं, हाँ, बिगुल, बिगुल, टाइम बिगुल में क्या रखा है, हाँ, हाँ। 1416 चल रहा है, खरीदना है, आज का डेज लो 1395 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 1460 नहीं आज के लिए 1460 कोई बात नहीं, हाँ क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है, क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, ये तो रजत बैठे तब 1460, डिम्पी बैठे तो शायद टारगेट और बढ़ जाते हैं आपके, ओके, और शायद इतनी देर भी नहीं लगती उसके पहले ही शायद, मतलब मैं तो पूछने में फिर भी टाइम लगा दूँ यूनाइटेड ब्रूज में, डिम्पी तो तुरंत ही पूछ लेते थे कि यूनाइटेड ब्रूज खरीदने का वक्त आ गया, तो चलिए अच्छा एक मिनट फटाफट वक्त खत्म हो रहा है उससे पहले बैंक से बेनिफिट जल्दी से देख लेते हैं, हमारे साथ देवांशी है, देवांशी बताइए बिगुल भी आया गया ऐसा हो गया लेकिन अब गया, अब बता दीजिए आप। तो आज 6 स्टॉक्स थे जो यहाँ पे बैन में थे, जेट एयरवेज, रिलायंस पावर, अदानी एंटरप्राइज और जेन इरिगेशन, ये सारे स्टॉक्स ऐसे जो अभी भी बैन में रह सकते हैं यहाँ से, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निकल सकते हैं, तो IDBI क्योंकि 82% ऑलरेडी हो चुकी है मार्केट वाइड पोजिशन, तो यहाँ पे काफ़ी चांसेस है बॉर्डर पर है, और रिलायंस कैपिटल 80% के भी नीचे है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिलायंस कैपिटल अब बैन से बाहर आ जाए, और 3 स्टॉक्स हैं जो बैन में आ सकते हैं, PC ज्वेलर 105% मार्केट वाइड पोजिशन हो चुकी है, CG पावर यहाँ पे करीब 102% की मार्केट वाइड पोजीशन है, और रिलायंस इंफ्रा भी 95% के आसपास है, तो ये भी काफी बॉर्डर पर है, तो रिलायंस इंफ्रा के चांस तो कम है, लेकिन CG पावर और PC ज्वेलर्स ये दो बैंड में आ सकते हैं, राइट, आ सकते हैं, हाँ, 100% के ऊपर निकलने का चांस किसका बता रही हैं आप, निकलने का IDBI और रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कैपिटल का ज्यादा है, ओके, IDBI और रिलायंस कैपिटल दो निकल सकते हैं, 5 पहले से बैन में, 6 नहीं है ध्यान रखना, 5 बैन में, क्योंकि आज DHFL निकल चुका था, नहीं एक आया भी है, एक आया भी तो था, नहीं नहीं कोई नहीं आया, नहीं जेन आया था, जेन इरिगेशन आया था, राइट, जेन आया था, हाँ जेन को मिला के 6 हो गए, तो जेन इरिगेशन प्लस 5-6 बैन में DHFL निकल गया था, और अब आज फिर से आने की, और कल भी, मतलब इसका मतलब एक्शन दोनों तरफ होगा, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, फिनोलेक्स केबल्स, कुणाल जी चार्ट जल्दी से बताइए, आखिरी सेकंड्स बचे हैं, कुछ 76 करोड़ का मुनाफा है, 75 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़, मतलब वहीं का वहीं है मुनाफे का आंकड़ा, फिनोलेक्स केबल चार्ट्स लेवल्स, अनिल जी देखिए बहुत समय से डाउन ट्रेंड में है, किसी तरह की कोई खरीदारी की राय नहीं है, 380 पार होगा तो एक शॉर्ट टर्म पुलबैक मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके लिए बाय करना चाहिए, तो मेरी राय में अवॉइड करें बेहतर रहेगा, ओके, और इस बीच जो कावेरी सीट जिसपे धीमे धीमे बेचने की राय दे रहे थे कुणाल जी, बहुत एग्रेसिव हो रही, ओके कुणाल जी कहीं आप भी ठीक ही थे, ऐसा गलत तो नहीं कर रहे थे, 462 का लो बनाकर स्टॉक फिर 480 पे आ गया कावेरी सीट, गजब है ये तो, मतलब फ्यूचर देखिए 478 पे ट्रेड कर रहा है, कैश में ऊपर है 7 रुपए, फ्यूचर में 7 रुपए डिस्काउंट पे है, अरे वो इंडियन बैंक देखो, इंडियन बैंक भी डिस्काउंट में है, यहाँ पर 3% तो चढ़ा है स्पॉट में, और अगर डेरिवेटिव में देखें तो 8% की तेजी है, डेरिवेटिव 237 का भाव है इंडियन बैंक का, और 219 स्पॉट का भाव है डिस्काउंट में, 219 है और कैश में 230 है, और 219 स्पॉट का भाव है डिस्काउंट में, 219 है और कैश में 230 है, कैश में 10 रुपए ऊपर चल रहा है इंडियन में, ओके आइए विदा लेंगे हमारे सभी एक्सपर्ट से, आशीष माहेश्वरी जी, शुभम जी, आप दोनों का शुक्रिया, कुणाल जी, राकेश जी, आपका भी धन्यवाद।